देखिए, मैं अपने बारे में सबसे पहले आपको बता दूं, मेरा नाम है एडवोकेट एंड सीएस मोहित बंसल। 9 साल हो गए पढ़ाते हुए। अब आप लोगों को जो सब्जेक्ट यहाँ पर हम पढ़ाने वाले हैं, वो उसका नाम है एसपीएम, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। पता होगा आप लोगों को, 50-50 मार्क्स के अंदर ये डिवाइडेड है। इसमें ये जो स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, इसका मैं आप लोगों को कुछ पार्ट पढ़ाने वाला हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका स्टडी नोट 1, आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग, जो मॉड्यूल में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली एसपीएम का स्टडी नोट 1 हम स्टार्ट करने वाले हैं। आखिर उस स्टडी नोट 1 का नाम क्या है जो हम पढ़ने वाले हैं? उसका नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के कुछ कंसेप्ट्स को पढ़ना, उनके कुछ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के बारे में जानना। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के, ये हमारा स्टडी नोट 1 की हेडिंग है। आखिर हमें इसके अंदर पढ़ना क्या है, एक बार सबसे पहले आप ये समझे, हमें पढ़ना है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता क्या है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के, और क्या साइकिल होता है इसका, ये हमें पढ़ना है। तो सब कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहूंगा, एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। एक बार शांति से उस एग्जाम्पल को सुनेंगे आप सभी स्टूडेंट्स, देन उसके बाद में यहाँ पर हम अपने थ्योरी वाले पार्ट पर आएंगे। मैं दोबारा से बता दूं, आपका सब्जेक्ट एसपीएम, उसका स्टडी नोट 1 आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग जो स्टडी नोट 1 है उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें करी जाती हैं। उसके लिए मैं एक आपको कहानी सुनाऊंगा, बड़े ध्यान से सुन। देखिए, ये जो भाई साहब यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इनकी एक खुद की कंपनी है और उस कंपनी का नाम है सोडी गैराज एंड कंपनी। और यहाँ पर जो भाई साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी अपनी एक कंपनी चलाते हैं। इनकी कंपनी का नाम है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। ये दोनों बिजनेसमैन हैं, दोनों की अपनी अपनी कंपनीज हैं और ये आपस में बात कर रहे हैं। हमें इनकी बातचीत समझनी है। एक बार ये जो सोडी है, इसने जेठालाल से बोला कि यार जेठा भाई, मैं चाहता हूं कि यार मेरी ये जो कंपनी है ना, सोडी गैराज एंड कंपनी, इस कंपनी में यार एकदम ढंग से काम हो, सही से काम हो। जो मेरे लड़के इसके अंदर काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज हैं मेरे, जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, वो मन लगा के काम करें यार। लेकिन ये सब होगा कैसे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं चाहता तो ये हूं कि मेरी कंपनी के अंदर जो भी वर्कर काम कर रहा है, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो ढंग से काम करे, पर आखिर ये होगा कैसे? तो जेठालाल ने बोला, बोला सोड़ी, इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है यार। एक काम कर, तू अपनी कंपनी में, अपने इस सोड़ी गैराज एंड कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई कर दे, मस्त रहेगा। जो तू चाहता है वही हो जाएगा, सभी लोग कंपनी के अंदर बड़ा मन लगाकर काम करें। बोला परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम ये क्या होता है? बोला देख, ये ना एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस, कंटिन्यू प्रोसेस होता है, हमेशा चलता है, कभी नहीं रुकता। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर कुछ स्टेप्स होती है। सबसे पहले जो एम्प्लॉयर है, मतलब तू, मतलब तेरी कंपनी, वो अपने एम्प्लॉय को ड्यूटी बताती है कि तुमको ये काम करना है। उसको एक काम बताया जाता है कि तुमको ये काम करना है। उसको टाइम दिया जाता है कि उसको कितने टाइम के अंदर अंदर ये काम करना है। उसके अलावा एक तो सबसे पहले तुम ड्यूटी बता दो कि यार तुमको क्या काम करना है, उसको समझा दो बढ़िया तरीके से कि तुम्हारा ये काम है इस कंपनी के अंदर। उसके फंक्शंस बता दो, उसकी ड्यूटीज बता दो, कितने टाइम के अंदर वो कंप्लीट करना है ये उसको बता दो। और उसको एक बात उसके दिमाग में फिक्स कर दो, उसको ये बोल दो कि देख भाई एम्प्लॉय, देख भाई वर्कर, तेरा जो ऑब्जेक्टिव है ना, तेरा जो उद्देश्य है, तेरा जो पर्पस है, तू अपने पर्पस को कंपनी के मेन पर्पस के अंदर मिला दे। मतलब कंपनी जो चाहती है, तू भी वही चाहना स्टार्ट कर दे।
तेरा पर्पस कंपनी के पर्पस से अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी फ्यूचर में आगे बढ़ेगी, अगर कंपनी ग्रो करेगी तो तू ग्रो करेगा। तो जेठालाल बोल रहा है सोडी से, बोला सोडी ध्यान रख, मैं तेरे को बता रहा हूं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई कर दे अपनी कंपनी में, ये एक कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है, ये 365 दिन चलता है, 2400 घंटे चलता है, सातों दिन चलता है, ये कभी बंद नहीं होता, लगातार पूरी साल चलता है। इसके अंदर तेरी कंपनी का जो एम्प्लॉय है, पहले तो उसकी ड्यूटी बता, उसके फंक्शन बता, आखिर उसे करना क्या है, उसको टाइम बता कि उसे कितने टाइम के अंदर वो काम कंप्लीट करना है, और उसके दिमाग में ये बात फिक्स कर दे कि उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो पर्पस है, वो कंपनी के पर्पस से मिलता हुआ होना चाहिए। अगर कंपनी कुछ और चाहती है, वो कुछ और चाहता है, वो कंपनी में फिट नहीं हो पाएगा, कंपनी के अंदर बढ़िया तरीके से काम नहीं कर पाएगा, ये बात समझा दे उसे। अगर कंपनी आगे बढ़ेगी तो वो बंदा भी आगे बढ़ेगा। सोडी बोला, बोला देख मेरे को ये बात समझ में आ गई जेठा भाई, कि एक तो मैं अपने जो भी एम्प्लॉय है उसको ड्यूटी दे दूं, काम दे दूं, उसको तरीका समझा दूं किस तरीके से काम करना है, उसके एम को कंपनी के एम से मिला दूं। फिर बोला फिर हर 7 दिन या 15 दिन या 1 महीने या 2 दिन या हर डेली की डेली एक टाइम फिक्स कर ले, उस टाइम के अंदर उसकी परफॉर्मेंस को चेक कर कि मैंने तुझको बोला था ये काम करना है, तूने ये काम सही से किया कि नहीं किया, कितने टाइम के अंदर कर दिया, आखिर इसमें क्या गलतियां कर दी, जो गलतियां कर दी वो उसको बता और समझा कि वो गलतियां आगे वो ना करे, जिससे धीरे 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 ये जो कंटिन्यू प्रोसेस है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का, उसकी वजह से तेरा एम्प्लॉय परफेक्ट हो जाएगा और आगे जब वो काम करना शुरू करेगा तो उसकी गलतियां नहीं होंगी। बोला ये कब तक करना है? बोला ये मैंने बोला ना कंटिन्यू प्रोसेस है, जिस दिन कंपनी बनती है तब से शुरू कर दे करना, और जब तक कंपनी चलेगी तब तक करता रहे, इसको बोला जाता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एक कंटिन्यू प्रोसेस है, जिसके अंदर पहले आप आइडेंटिफाई करते हो, क्या चीज आइडेंटिफाई करते हो, आप ये देखते हो कि पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय है आखिर उसका स्ट्रॉन्ग पोजिशन कौन सी है। एग्जाम्पल के तौर पर सचिन तेंदुलकर एक अच्छा बैट्समैन है, आप अगर उसको स्टार्टिंग का बॉलर बना दोगे कि सबसे पहले वो ओवर डाल रहा है, भाई साहब वो पिट जाएगा। आप बंदे की स्ट्रॉन्ग पोजीशन को पहचानो कि कौन बंदा, कौन सा एम्प्लॉय किस चीज में बेस्ट है। अगर कोई एम्प्लॉय मशीन चलाने में बेस्ट है उसे मशीन में लगाओ, अगर कोई अकाउंटिंग के काम में अच्छा है उसे अकाउंटिंग का काम करवाओ, अगर कोई मैनेज करने के लिए अच्छा है उसे मैनेजर बना दो। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो किसको क्या ड्यूटी देनी है, उसको वो ड्यूटी दो और धीरे धीरे उसके अंदर उसकी गलतियां सुधारो, उसे डेवलप करो, और ध्यान रखो लिंक कर दो, जोड़ दो उस बंदे का जो परफॉर्मेंस है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके जो उद्देश्य हैं, वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव से मिलते जुलते होने चाहिए। ये है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये लगातार चलता है, ये लगातार चलता है। मतलब आप लगा लो जिस दिन बैच स्टार्ट हो गया, आप फर्स्ट डे से स्टूडेंट को बता दो कि तुमको ये काम करना है, ये काम करना है, और जब तक ये बैच चलेगा तब तक धीरे 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 उनकी गलतियां सुधारते रहो। ये लगातार चलने वाला एक प्रोसेस है, इसे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बोला जाता है। सोडी बोला जेटा भाई ये बात समझ में आ गई तुम्हारी, मुझे यह समझ में आ गया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो लगातार रहता है, जिससे एट दी एंड हमें अपना डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाए, जो हम चाहते हैं वो वहां तक हम पहुंच जाए, क्योंकि धीरे धीरे हमने गलतियां सुधारी है, अपने एम्प्लॉय को सुधारा है। मुझे ये बता दो यार जेठा भाई, मेरे दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है यार, ये जो ईयर के एंड में जब साल खत्म हो जाता है और एम्प्लॉयज को जब हम अप्रेजल देते हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ाते हैं, उस वक्त हम जो परफॉर्मेंस चेक करते हैं, क्या ये वही है क्या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम? जेठा भाई बोला ना 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 ना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, दो अलग अलग चीजें हैं, उनको अपने दिमाग में फिक्स कर लो। एक है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये कंटिन्यू प्रोसेस है, इसके अंदर आप बंदे को उसके साथ में बैठ के सुधारते हो, मतलब स्टूडेंट को बताते हो तू ये आंसर लिख, फिर चेक करा, अब की बार ये गलती कर दी, अब दोबारा से आंसर लिख, फिर चेक करा, ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, ये लगातार चल रहा है। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है
वो तो साल में सिर्फ दो बार होता है, टू टाइम्स होता है एक साइल के अंदर, बस ये लगातार चलता है, ये साल में सिर्फ दो बार होता है। एक तो होता है मिड ईयर में और एक होता है फाइनल, जब एंड खत्म हो जाता है आपका साल, उस वक्त परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है। उसमें जो एम्प्लॉयर होता है ना, ये जो कंपनी होती है, उसकी गलती सुधारती बुधारती नहीं है, बस उसके पूरे साल का परफॉर्मेंस देखती है और उसके हिसाब से उसको या तो मोटिवेट आगे बढ़ा देती है या फिर उसको नीचे उसकी सैलरी कम कर दी जाती है। उसका जो सुधार किया जाता है, करेक्ट किया जाता है, कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है। यहां पर तो सिर्फ अप्रेजल देखा जाता है, यहां पर तो उसको या तो अप्रेज कर दोगे अगर उसने साल में अच्छा काम करा है, या उसे डिमोटिवेट कर दोगे, उसकी तनख्वाह काट दोगे, यहां पर उसको सुधारा नहीं जाता। देखो, उसे परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलते हैं जो ईयर एंड में दिया जाता है, जिसमें तनख्वाह बढ़ाई जाती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अलग अलग होता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट लगातार चलता है, पूरी साल चलता है, लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल साल में सिर्फ दो बार होता है, एक तो मिड में और एक एट द ईयर एंड जब हो जाता है, और उसके हिसाब से उसकी तनख्वाह बढ़ाई या घटाई जाती है। ये दोनों अलग चीजें हैं। तब जाकर सोड़ी को यह समझ में आ गया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब है ये लगातार चलने वाला प्रोसेस, जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे एम्प्लॉय की स्ट्रॉन्ग पोजीशन क्या है, उस वाले एरिया में उसको काम दें, फिर उसकी गलतियां सुधारें, फिर काम दें, फिर गलतियां सुधारें, जिससे एट दी एंड वो परफेक्ट हो जाए। लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल एक फाइनल कंसेप्ट होता है, जिसके अंदर लास्ट में ये देखा जाता है पूरे साल में बंदे ने काम कैसा किया, उसके हिसाब से उसको ग्रोथ करी जाती है या फिर उसको नीचे गिरा दिया जाता है। ये होता है आपका परफॉर्मेंस सिस्टम एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। एक बार सभी बच्चे चैट बॉक्स पर ये बताएं, अभी तक मैंने ये जो इतनी गाथा सुनाई है, क्या इसमें कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? चैट बॉक्स पर एक बार मुझे बता। प्रतिभा बोल रही है समझ में आ गया, रजत बोल रहा है, सोनिया आ गया, अनुष्का हिमांशु। मेरे पास में ज्यादातर जो स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि सर आ गया। ठीक है, अच्छा, आप लोग वैसे नॉर्मली मैं कोर्स में जब भी बैच लगाते तो मैं लिखवाता हूँ जनरली स्टूडेंट्स को उनकी कॉपी में, लेकिन आप लोगों का टाइम कम है तो इसलिए आप लोगों को लिखवा नहीं पाएंगे। आपका जो टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ होगा इंस्टीट्यूट की तरफ से, उस पे ये नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे, है ना, क्लास खत्म होने के बाद में दोपहर तक आपको भेज दिए जाएंगे, उसमें ये प्रॉपर एग्जाम्पल ऑल दैट सब कुछ आ जाएगा। एक बार यहाँ पर अब मैं थ्योरी को पढ़ा देता हूँ, जिससे आप घर पे पढ़ें तो आपको थ्योरी पढ़ने में दिक्कत ना। देखिए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक कंटिन्यू प्रोसेस है, जिसके अंदर आइडेंटिफाई करते हैं हम बंदे का स्ट्रॉन्ग पोजीशन, फिर मेजर करते हैं, फिर उसको हम काम देते थे और मेजर करते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, और धीरे धीरे उसमें डेवलप करने लग जाते हैं कि बेटा तुम यहाँ गलती कर रहे हो, यहाँ पे सुधार करो, अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। उसका इंडिविजुअल का जो ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी के ऑब्जेक्टिव से लिंक कर दो, बढ़िया काम करेगा। कंटिन्यू प्रोसेस है और लिंक कर दो मिशन गोल्स को। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल मैंने बताया, परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर जो है वो बस ये देखा जाता है ओवर अ टाइम। ओवर अ टाइम का मतलब साल में दो बार, फिक्स है साल में, कैसे होता है वो भी समझाऊंगा। एक बार मैं समरी में समझा देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। सपोज करो अप्रैल 2021 में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, मार्च 2022 तक चलेगा। मिड ईयर जब आधा साल निकल जाएगा ना, तो जो एम्प्लॉय होगा, जो एम्प्लॉय होगा, देखो मैं समझाता हूं इस बात, जब मिड ईयर निकल जाएगा तो जो एम्प्लॉय होगा ये है हमारे बागा बॉय, ये खुद अपना अप्रेजल फॉर्म भरेगा, खुद भर रहा है अभी एम्प्लॉय, खुद भर रहा है, एम्प्लॉयर नहीं भर रहा है, कंपनी नहीं भर रही है, मिड में कंपनी नहीं भर रही है। मिड में हम इसको मौका दे रहे हैं कि तुझे खुद को क्या लगता है तूने कितना अच्छा या कितना बुरा काम किया, खुद बता, खुद को रेटिंग प्रोवाइड कर। तो मिड ईयर में ये अपना सेल्फ अप्रेजल कर रहा है, सेल्फ अप्रेजल, और जब ईयर खत्म हो जाएगा फिर ये कंपनी एम्प्लॉयर जो है वो अप्रेजल करेगी और वो रेटिंग्स प्रोवाइड करेगी, उसके हिसाब से इसके पैसे बढ़ाए जाएंगे या घटाए जाएंगे। तो जो अप्रेजल होता है ना वो साल में दो बार किया जाता है। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई आपको?
अभी तक ये समझ में आ गया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अलग है, परफॉर्मेंस अप्रेजल अलग है। परफॉर्मेंस अप्रेजल साल में सिर्फ दो बार किया जाता है, एक किया जाता है मिड ईयर के अंदर और एक किया जाता है पूरा साल खत्म हो जाने के बाद। चलिए, मिड एंड एनुअली, बिल्कुल सही बात है। अब देखें, अब यहां पर एक बार हम इसके डिफरेंसेस को और देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बार डिफरेंसेस आ जाते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल टॉप डाउन असेसमेंट है, बिल्कुल सही बात है। टॉप डाउन असेसमेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से सुने आप, बहुत ध्यान से। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, एक क्वेश्चन पूछूंगा और यहां पर लिख लेता हूं मैं, है ना, यहां पर मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग उसका जवाब देंगे। एक है मेरा पहला क्वेश्चन, ये है कि कंपनी ने फिक्स किया हुआ है, कंपनी ने फिक्स किया हुआ है कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो जब ईयर एंड हो जाएगा, ईयर एंड हो जाएगा तो परफॉर्मेंस चेक करके, परफॉर्मेंस को चेक करेगा टॉप मैनेजमेंट, चेक करेगा हर किसी के परफॉर्मेंस को, हर किसी के परफॉर्मेंस को टॉप मैनेजमेंट चेक करेगा और उसके हिसाब से उसका जो सैलरी है वो बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा। हम इसे क्या बोलें? और एक और क्वेश्चन सुन लो पहले, एक और क्वेश्चन, इसका जवाब बाद में पूछूंगा, अभी एक और क्वेश्चन सुने, क्वेश्चन नंबर टू। एक लेबर है, उसका सुपीरियर है, वो उसको समझा रहा है, इसका सुपीरियर इसको समझा रहा है, इसका सुपीरियर इसको समझा रहा है, इस ये चलता जा रहा है प्रोसेस। मुझे बताएं ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको क्या बोला जाए? सिर्फ टॉप मैनेजमेंट डिसीजन ले रहा है, ईयर एंड पे डिसीजन ले रहा है, हर किसी के लिए डिसीजन ले रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलेंगे। बिल्कुल सही जवाब, परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलेंगे, बिल्कुल सही। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है सिर्फ टॉप मैनेजमेंट काम कर रहा है, ना जी ना, यहां पर उस लेबर का जो टॉप है वो उसको बोल रहा है, उसका ऊपर जो बैठा है वो उसको बोलता है, उसके ऊपर जो बैठा है वो उसको, ये है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये एक जॉइंट प्रोसेस है। यहां पर हमेशा टॉप डाउन असेसमेंट, यहां पर एनुअल अप्रेजल किया जाता है, ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है। यहां पर रेटिंग्स दी जाती हैं, यहां रेटिंग्स नहीं दी जाती बल्कि सुधारा जाता है, यहां पर डेवलप किया जाता है इंसान को, यहां रेटिंग्स नहीं देते, यहां पर डेवलप करते हैं। सेम उसी तरीके से जब आपका क्लास टेस्ट होता है तो आपका टीचर ये बोलता है कि यार मैं तुम्हारा क्लास टेस्ट सिर्फ तुम्हें डेवलप करने के लिए ले रहा, जिससे जब फाइनल टेस्ट हो उसमें तुम्हें अच्छी रेटिंग्स मिल जाए। तो ये टॉप डाउन होता है, ये जॉइंट है, ये एनुअली होता है, ये कंटिन्यू चलता है, इसमें रेटिंग्स मिलती है, इसमें कोई रेटिंग्स नहीं मिलती है। ये मोनोलॉथिक सिस्टम है, मतलब ये फिक्स्ड सिस्टम है कि टॉप जो मैनेजमेंट है वो सबके लिए रेटिंग्स देगा और सैलरी बढ़ाएगा या घटाएगा, ये फ्लेक्सिबल है। इसमें क्या होता है, इसमें लेबर का सुपीरियर, देन उसका सुपीरियर, देन उसका सुपीरियर, देन उसका सुपीरियर, देन उसका सुपीरियर, इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। इसमें हम क्वांटिफाइड ऑब्जेक्टिव देखते हैं, लास्ट में हम ये देखते हैं सिर्फ कि बंदे ने कितना अच्छा काम किया, कितना हमारे लिए प्रॉफिट जनरेट किया, उसके हिसाब से सैलरी दे दो। यहां पर बहुत सी चीजें देखी जाती हैं कि उसने कितना सीखा, वो काम जो कर रहा है क्या वो मन लगा के कर रहा है, क्या उसका बिहेवियर अच्छा है, क्या उसने अपने ऑब्जेक्टिव को कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ मिला दिया है, ये सब देखा जाता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। परफॉर्मेंस अप्रेजल में सिर्फ ये देखा जाता है कितना पैसा कमा के दिया कंपनी, ये एचआर डिपार्टमेंट का काम है, ये ऊपर वाले मैनेजर्स, लाइन मैनेजर्स, मतलब जिसका जो सुपीरियर है वो उसके हिसाब से काम करता है। मैं दोबारा से एक बार डिफरेंसेस को कर देता हूं, टॉप डाउन है, ये चेन वर्क चलता है, इसमें जॉइंट है, ये एनुअल है, ये कंटिन्यू है, इसमें रेटिंग्स दी जाती है, इसमें डेवलप किया जाता है, ये फिक्स्ड है, ये फ्लेक्सिबल है।
इसके अंदर क्वांटिफाइड देखा जाता है प्रॉफिट कितना कमा के दिया, इसमें देखा जाता है बंदा वैल्यूज कैसी रखता है, बिहेवियर कैसा है, एथिक्स कैसा है, ऑब्जेक्टिव्स उसके कंपनी से लिंक होते हैं कि नहीं होते। इसको एचआर वाला संभालेगा क्योंकि टॉप मैनेजमेंट जो है वो एचआर को एक शीट पकड़ा देता है और एचआर जो है वो अपने सिस्टम पे उसे अपलोड कर देते हैं किसको कितना पैसा मिला, कितना सैलरी बढ़ गई। यहां पर मैनेजर बैठकर समझा रहे हैं। एक बार चैट बॉक्स पर मुझे इतना बता दें, क्या आप लोगों को ये तीन बातें समझ में आ गई, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है और इनके बीच के डिफरेंसेस क्या है, ये आप लोगों को समझ में आ जाने चाहिए। अभी नहीं है तो आप बिंदास पूछिए, मैं दोबारा से समझा सकता हूँ। मेरे पास में जवाब आ रहे हैं कि साहब समझ में आ गया, आगे चलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुने नेक्स्ट टॉपिक हमारा, और जहां पर भी आप लोगों को डाउट हो मुझे रोक के आप चैट पर क्वेश्चंस लिख दें, मैं समझा दूं। एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल क्या होती है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल क्या होती है, बहुत ही इजी है और ये वैसे ही समझ में आ जाता है। सबसे पहले कंपनी प्लानिंग करती है कि किसको क्या काम दें, फिर उस पे उसे एक्ट कराया जाता है कि इसे इंप्लीमेंट करो, परफॉर्म करो, और इंप्लीमेंट जब हो रहा होता है उसे हम मॉनिटर कर रहे होते हैं कि सही तरीके से काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, और लास्ट में फिर उसे रिव्यू किया जाता है कि यार तुमने कहाँ कहाँ गलती करी, उसकी गलती उसे बता दी जाती है, फिर नई प्लानिंग शुरू होती है, फिर वो एक्ट करता है, फिर मॉनिटर करते हैं, फिर दोबारा रिव्यू करते हैं, फिर गलतियां बता देते हैं, फिर प्लानिंग शुरू होती है। ये साइकिल है और ये इस तरीके से चलती रहती है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, आप लिखोगे प्लानिंग, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन के वक्त ड्यूरिंग उसे मॉनिटर करते रहना, एंड लास्ट में उसे रिव्यू करना। ये साइकिल है और ये एज इट इज आपको याद होनी चाहिए, एज इट इज। इसके अंदर कुछ डिटेल में लिखने को नहीं है आपके पास, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर आते हैं, और किस तरीके से क्वेश्चन आता है मैं वो भी समझा देता हूं। क्वेश्चन दिया हुआ होगा, चार ऑप्शन नीचे दिए हुए होंगे और पूछा होगा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल का कौन सा पार्ट नहीं है, एक दे देगा प्लान, एक दे देगा एक्ट, एक दे देगा मॉनिटर, और उसके बाद में दे देगा कंप्लेंट। आपसे पूछा जाएगा कौन सा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल का पार्ट नहीं है, आपको टिक मारना है कंप्लेंट इसका पार्ट नहीं है। ये साइकिल आपको याद रखनी है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। आप जब पढ़ाई करते हो तब भी पहले प्लानिंग करते होंगे कैसे पढ़ना है, फिर उसे पढ़ने लग जाते होंगे, मॉनिटर आप खुद भी करते हैं, आपके टीचर भी करता रहता होगा कि भैया ये पढ़ रहा है सही से नहीं पढ़ रहा है, और बाद में आप टेस्ट देकर रिव्यू करते हो क्या चीजें आपकी सही हो चुकी है, कहाँ पे गलतियां उनको सुधारो, कैसे सुधारो, दोबारा प्लानिंग करके एक्ट करो, चलेगा ये साइकिल। चैट बॉक्स पर एक बार कंफर्म करें क्या ये यहां तक का कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया, और अगर नहीं आया तो बिंदास बोलिएगा कि साहब नहीं आया दोबारा समझाओ, मैं दोबारा समझाऊ। मैसेजेस आ रहे हैं कि सर समझ आ गया, ओके वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए, बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ये साइकिल यहाँ पे देखिए, इस वाले सब्जेक्ट के अंदर नॉर्मली बच्चों को कंसेप्ट क्लियर होता है, फर्क कितना होता है, उन्हें ये नहीं पता होता कि हमारा टॉपिक आखिर हमसे पूछ क्या रहा है, तो वो किसी भी टॉपिक के अंदर कुछ भी लिखकर आ जाते हैं, क्योंकि काफी हद तक काफी कुछ मिलता जुलता होता है इस सब्जेक्ट के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर। आपको टॉपिक को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। हमसे पूछ रहा है कंपोनेंट्स बता दो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स। अगर इस टॉपिक को मैं ना भी पढ़ाऊं तो ऐसा नहीं है कि आप इसे अटेम्प्ट नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन अच्छे तरीके से आपको ये पॉइंट्स याद होने चाहिए, मेन ये हेडिंग याद होनी चाहिए। अगर कभी भी मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हमें करना है सही से, तो पहले प्लानिंग करो। प्लानिंग में क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। प्लानिंग के अंदर, प्लानिंग कभी भी ना सिर्फ कंपनी नहीं कर सकती।
अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि प्लानिंग करी जा रही है और सिर्फ एम्प्लॉयर प्लानिंग कर रहा है, ये गलत है साहब। प्लानिंग हमेशा एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉई, ये दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं कि हमें पूरे साल में आखिर क्या करना है और कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, ये दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं। और ये सबसे पहला स्टेप होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, कि पहले प्लानिंग तो करो कि आखिर हमें पूरे साल में अचीव क्या करना है। बहुत ही फर्स्ट क्रूशियल कॉम्पोनेंट है जिसके अंदर ये प्लानिंग करी जाती है और जॉइंटली प्लानिंग करी जाती है कि आखिर हमें क्या चीज अचीव करनी है। पहले ही हम बजट बना लेते हैं कि हमें इस साल यहां तक ये अपना टारगेट अचीव करना है, और इसके लिए हम बहुत सारे की इंडिकेटर्स भी ध्यान में रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, एग्जाम्पल के तौर पर जेठालाल ने बाघा से बोला, बोला यार देख बाघा, तू ना बहुत अच्छा रिपेयर करता है, रिपेयर करने का तेरा अच्छा हाथ खुला हुआ है, इसमें तेरी मास्टरी है यार, तो प्लानिंग करते हैं हम दोनों ईयर स्टार्टिंग में कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है अब की बार कि इस साल कम से कम 250 टीवी हमारे पास रिपेयर होने को आने चाहिए। अगर एक बंदा हमको 100 रुपए भी देता है तो 25,000 रुपये तो सिर्फ हमने टीवी की रिपेयरिंग से कमा लिया, उसके अलावा बाकी का तो अलग है। तो टीवी रिपेयर तो ये प्लानिंग करी जा रही है सबसे, और दोनों मिलकर कर रही। आ रही है मेरी बात समझ में आता? तो सबसे पहला स्टेप अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का फर्स्ट कॉम्पोनेंट क्या है, प्लानिंग। नेक्स्ट अप्रेजल। अप्रेजल के अंदर मैंने आपको बताया अप्रेजल साल में 2 बार होता है, एक होता है मिड में और एक होता है एंड में। मिड में सेल्फ होता है, एंड में एम्प्लॉयर करता है। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट, पहले सेल्फ अप्रेजल होगा मिड में और उसके बाद में फाइनल रेटिंग्स प्रोवाइड करी जाएगी। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप प्लानिंग करो, दूसरा स्टेप सेल्फ अप्रेजल होने दो मिड ईयर में, और उसके बाद में कंप्लीशन में एम्प्लॉयर जो है वो कर देगा आपका। तो यहां तक हमने 2 स्टेप पढ़ लिए कंपोनेंट्स के, पहला प्लानिंग, दूसरा अप्रेजल। थर्ड आ जाता है आपका, थर्ड के अंदर क्या करोगे? अब आप खुद सोचिए एक बार के लिए। आपने बोला कि मैंने प्लानिंग करी, फिर आपने उसका अप्रेजल भी किया, फिर आप ये देखो कि उसने गलतियां कहां कहां करी, उसको अपने साथ में लेकर बैठो और उसकी काउंसलिंग करो कि यार समझ कि तेरे ना ये चीज तो एकदम स्ट्रांग है, तो तू इस पे इतना ध्यान मत दे क्योंकि तू पहले से ही इसमें अच्छा है, ये चीजें तेरी वीक है, यहां पर इनको सुधार करने में लग जा। अवेयर करो उसको कि यार तू अगर इन एरियाज में इंप्रूवमेंट कर लेगा ना तो तेरे लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, जो तू चाहता है, जो तू एक्सपेक्ट कर रहा है उतना हम परफॉर्म कर पाएंगे। सबसे पहले आपने प्लानिंग करी, उसका अप्रेजल किया, आपको पता लगा गलतियां क्या है, अब उसकी काउंसलिंग करो, उसे बताओ तू कहां स्ट्रांग है, कहां तू वीक है, तुझे कहां पर अपना इंप्रूवमेंट लेकर आना है, और एकदम ट्रांसपेरेंट फीडबैक दो। ऐसा नहीं है किसी को खुश करने के लिए उसकी गलतियां आप उसे बता नहीं रहे हो, एकदम ट्रांसपेरेंट फीडबैक दो, तभी जाकर आपका जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वो निकल पाएगा और आप फायदे में रह पाओगे। 3 पॉइंट हो गए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आउटकम वो कंपोनेंट्स बता दो, पहला प्लानिंग करो, दूसरा अप्रेजल, तीसरा उसकी काउंसलिंग करो, उसे फीडबैक दो, उसे समझाओ कि कहां गलतियां हैं, कहां पर सुधार की जरूरत। नेक्स्ट, अगर उसने अच्छा काम किया है उसे रिवॉर्ड भी दो। रिवॉर्ड दोगे तो आदमी मोटिवेट होता है। देखो रिवॉर्ड में मैं सिंपल सी बात आपको बोलूं, पैसा दो पैसा। अगर कोई आपसे ये पूछे दुनिया का सबसे ज्यादा मोटिवेशन कब मिलता है, तब मिलता है जब हाथ में गांधी जी आते हैं। रिवॉर्ड दो, पैसा दो, और इंप्रूवमेंट प्लान्स भी बनाते रहो। तो मुझे एक बार यहां तक बताया जाए, यहां तक कि आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, मैं दोबारा से एक बार रिपीट करता हूं। देखिए
दोबारा से हम लोग देख लेते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक कंटिन्यू प्रोसेस है, ये लगातार चलता है। उसके अंदर आप पहले आइडेंटिफाई करो बंदे की स्ट्रॉन्ग पोजीशन, काम दो उसे, मेजर करो सही से कर रहा है नहीं कर रहा, मॉनिटर करो, रिव्यू करो और गलतियां को डेवलप करो। उसका ऑब्जेक्टिव कंपनी के ऑब्जेक्टिव से मिला दो, सेम चीज। अप्रेजल की अगर मैं बात करूं, साल में दो बार होता है, मिड में होता है, एंड में होता है, दोनों में थोड़ा फर्क है। ये टॉप डाउन, ये फिक्स है, इसमें जॉइंट है, ये एक लेवल से दूसरे लेवल पर चलता है, चेन सिस्टम। ये एनुअली है, ये कंटिन्यू चलता है, इसमें रेटिंग्स दी जाती है, इसमें डेवलपमेंट किया जाता है, ये फिक्स है, ये फ्लेक्सीबल है। इसमें प्रॉफिट देखा जाता है, क्वांटिटी देखी जाती है, कितना हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ। इसमें बंदे की वैल्यू, बिहेवियर, ऑब्जेक्टिव देखे जाते हैं, इसको एचआर डिपार्टमेंट आपको बताता है, इसे हमारा ऊपर का मैनेजर बताता है। साइकिल की अगर मैं बात करूं, पहले प्लानिंग करो, देन एक्ट करो, देन मॉनिटर करो और उसे रिव्यू करो। कंपोनेंट्स की बात करूं, प्लानिंग करो, उसको अप्रेजल देखो, जहां गलतियां हैं उनमें उनकी काउंसलिंग करके सुधार करो, अच्छा काम कर रहा है उसे रिवॉर्ड दो और उसको इम्प्रूव करो। यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पर ही रखेंगे, क्योंकि अभी मेरी दूसरी भी क्लास है ना। और आप लोगों का मुझे एक बार ये बता दें कि इसके मेरे बाद में कोई क्लास है या फिर ब्रेक है आपका? ब्रेक है आपका, ठीक है। तो मैं दोबारा से बोल देता हूँ, आज की क्लास हम यहीं पर रखेंगे, कल आपकी कल से लंबी क्लास होने लग जाएगी, जो भी नॉर्मली बाकी क्लासेस होती होंगी आपकी उस तरीके से। ये जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, आपका जो भी ग्रुप होगा इंस्टीट्यूट। दूसरा ये भी समझ लें आप कि अभी ये जो स्टडी नोट वन जो है ना, नोट वन एंड नोट टू, ये सब ये आपके छोटे नहीं है, बहुत बड़े नोट्स हैं, है ना। स्टडी नोट वन जो मॉड्यूल में दिया हुआ है, तो ये जो मैंने अभी आपको यहां तक पढ़ाया है, ये नोट्स ऐसा नहीं है मैं स्टडी नोट वन का एक ही बार में पूरा नोट्स आपको दे दूंगा, हाँ, लेकिन हमने जितना क्लास में पढ़ा है उतने आपके पास में आ जाएंगे। और एट द एंड ये स्टडी नोट वन जिस दिन खत्म होने वाला होगा, उस दिन प्रॉपर आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा, स्टडी नोट वन का पूरा, बट डेली डेली थोड़ा थोड़ा अपग्रेड होके मिलता रहेगा। उसका फायदा ये रहेगा कि बेटर तरीके से मिल पाएंगे नोट्स, पीपीटी में मिल पाएंगे नोट्स, एग्जांपल्स के साथ में मिल पाएंगे। अदरवाइज मैं वो खाना पूर्ति होती है वो कर दूंगा वहां से, मॉड्यूल से लेके कट कॉपी पेस्ट, है ना, तो उसमें फायदा नहीं मिलता है, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे खत्म करता हूँ, नोट्स आपके पास में पहुंच जाएंगे, कल अपन मिलेंगे। आपके डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, अभी है किसी का कोई भी डाउट अगर तो वो मुझसे पूछ सकता है, अदरवाइज मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ, जो भी नेक्स्ट सर आएंगे वो आपका स्टार्ट करें, ठीक है। देखिए कल हम लोगों ने अपना स्टडी नोट वन पढ़ना स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है, उसके अंदर कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहली बात ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है, पूरे साल चलता है, और इसके अंदर जो कंपनी है उसका काम होता है, उसका ये ध्यान रखना पड़ता है कि एम्प्लॉई के जो मिशन है, जो गोल है, वो कंपनी के गोल के साथ में मर्ज कर दिए जाएं, लिंक कर दिए जाएं, जिससे वो बंदा जो भी काम करे वो कंपनी के फायदे में हो, और कंपनी का अगर फायदा होगा तो बाय डिफॉल्ट उसका खुद का फायदा हो जाए। यहां तक ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी, इसके लिए मैंने एक आपको ये एग्जाम्पल भी समझा दिया था, और मैंने आपको बताया था परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट दोनों अलग अलग है। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किया जाता है, मतलब साल में सिर्फ दो बार है, फिक्स है। दूसरी बात, उसके अंदर रेटिंग दी जाती है, उसके अंदर ये देखा जाता है कि पूरी साल में एम्प्लॉय ने कैसा काम किया, उसको आगे बढ़ाएं या फिर नीचे कम करें। लेकिन हाँ बिल्कुल, लेकिन जो आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है उसके अंदर रेटिंग्स नहीं दी जाती, बल्कि उसके अंदर डेवलपमेंट किया जाता है, ये फ्लेक्सिबल प्रोसेस होता है। इसके अंदर अपना जो सुपीरियर है ना वो लिंक होता है, जबकि यहाँ पर ये फिक्स्ड सिस्टम है, मोनोलिथिक सिस्टम होता है, और एचआर संभालता है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट जो है वो एचआर को दे देता है कि तुम नीचे लोगों की सैलरी को या तो बढ़ा दो या घटा दो, तो एचआर बात कर लेता है सबसे। लेकिन यहाँ पर लाइन मैनेजर्स होते हैं, जो आपका सुपीरियर है वो टैकल करेगा, देन उसका सुपीरियर उसको टैकल करेगा, चेन सिस्टम बिल्कुल। उसके बाद में नेक्स्ट मैंने बताया था परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल, आपको ये साइकिल याद रखना है। सबसे पहले प्लानिंग करती है कंपनी,
फिर एक्ट करवाती है, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करते वक्त उसकी मॉनिटरिंग करते हैं क्या वो सही से किया जा रहा है, फिर रिव्यू किया जाता है आखिर हमने गलती कहां पर कर दी, है ना। बिल्कुल। उसके बाद में मैंने कुछ कंपोनेंट्स बताए थे, उसमें प्लानिंग बताई थी। याद रखने वाली चीज इसके अंदर ये है कि जो एम्प्लॉयर है प्लस एम्प्लॉई है दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व करोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि क्वेश्चन आया था कि जो परफॉर्मेंस प्लानिंग करी जाती है क्या सिर्फ एम्प्लॉयर करता है, अकेला नहीं करता बल्कि एम्प्लॉय भी साथ में मिलके करता है। दूसरी बात, परफॉर्मेंस अप्रेजल मैंने आपको बताया, एक तो मिड में होती है जिसमें खुद एम्प्लॉय सेल्फ रेटिंग प्रोवाइड करता है, और फिर होती है साल के बाद में जिसमें एम्प्लॉयर जो है वो रेटिंग्स प्रोवाइड करता है, और अप्रेजल के अंदर ये दोनों चीजें इंक्लूडेड होती है। फीडबैक दिया जाता है, और ये जेन्युइन फीडबैक होता है, ट्रांसपेरेंट फीडबैक होता है, ट्रांसपेरेंट फीडबैक जिससे बंदे को असलियत पता लगे, उसको खुश करने के लिए नहीं कि अगर उसने गलती करी है तो भी बोला जाए कि यार तुमने तो सही काम किया है, तो फिर वहां पर आप मिसगाइड कर रहे हो उसे। एक्चुअल कहानी बता दो कि यार तुम यहां पर गलती कर रहे हो, इसे सुधार लो, अदरवाइज तुम्हारा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, एक दिन तुम्हें कंपनी छोड़नी पड़ जाएगी। फीडबैक दो, एक्चुअल काउंसलिंग करो उसे, समझाओ कि कहां पर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहां पर वीक पॉइंट है, और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो। अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसे रिवॉर्ड दो, मोटिवेट होगा और बेहतर काम करेगा, और कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट प्लान चलाते रहो, नई नई कुछ प्लानिंग, कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज लेकर आते रहो, उससे परफॉर्मेंस सुधर जाएगा। यहां तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, एक बार आप लोग चैट पर मुझे ये बता दें यहां तक हमने जो पढ़ा वो आप लोगों को क्लियर है, अगर डाउट है तो डिस्कस कर लें मुझसे आप लोग। मेरे पास में मैसेज आ रहे हैं कि सब क्लियर है यहां तक की कहानी, ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब एक कहानी सुनाता हूं आप लोगों को, ध्यान से वो कहानी सुननी है आप। देखो 2015 की बात है, 2015 में जितेश ये मेरे पास में आया, बोला सर मैं सोच रहा हूँ कि सीएमए फाइनल के लॉ में अच्छा स्कोर करने के लिए कंपनी लॉ के जितने भी चैप्टर्स हैं ना उन्हें ढंग से पढ़ूं, अच्छे से अच्छा खासा टाइम स्पेंड करूं मैं उनको पढ़ने के लिए और बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लूं। मैंने उसे बोला यार जितेश इसमें ना तेरे को फायदा नहीं होगा, अगर तू कंपनी लॉ में बहुत ज्यादा टाइम देता है सभी चैप्टर्स पढ़ने के लिए तो तेरे लिए उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, तो एक काम कर मेनली पहले दो चैप्टर पढ़ ले कंपनी लॉ के, उसके अलावा आईबीसी, ऑल्दो 2015 में नहीं आया था, आईबीसी 2016 में आया था, बट एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड भी पढ़ ले, सार्फेसा एक्ट भी पढ़ ले, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ ले, तो दो चैप्टर और बाकी ये पढ़ ले, तो ये जो इनपुट देगा, ये जो तू इनपुट देगा दो चैप्टर प्लस ये प्लस ये प्लस ये, उससे आउटपुट बहुत अच्छा निकलने वाला है, ये तेरे लिए प्रोडक्टिव रहेगा। अगर तू बहुत सारा टाइम सिर्फ कंपनी लॉ में दे देगा, मतलब इनपुट तो तूने काफी सारा लगा दिया लेकिन तेरा आउटपुट इतना अच्छा नहीं निकल पाएगा यार, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आएंगे, तेरी प्रोडक्टिविटी जो है वो वहां पर दिखाई नहीं देगी, और अगर प्रोडक्टिविटी शो नहीं होगी कंपनी के अंदर, अगर कंपनी की प्रोडक्टिविटी शो नहीं हो रही है तो लोग कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, कंपनी की गुडविल डाउन चली जाएगी, ना तो कंपनी का ओनर डायरेक्टर खुद कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस रख पाएगा, ना ही इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस रख पाएंगे। कंपनी के अंदर प्रोडक्टिविटी होना जरूरी है, और प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि आप जो इनपुट लगा रहे हो उससे आपको आउटपुट तो मिल रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि मेहनत करते चले जा रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो फिर इसका मतलब है आप प्रोडक्टिव जगह पर अपने इनपुट्स नहीं लगा रहे हो। आप ऐसे एरिया में, आप ऐसी अपॉर्चुनिटी ग्रेव करो जहां पर आपको रिजल्ट अच्छे मिले कंपनी को, तो बोला जाएगा कंपनी की प्रोडक्टिविटी बेहतर है, कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही है। कुछ दिनों बाद में इसने बोला सर लास्ट एक टेस्ट हुआ था, सर आपने लास्ट में जो लास्ट टेस्ट हुआ था, जो पिछला हमारा टेस्ट हुआ था, उसमें सर मेरे नंबर ज्यादा नहीं आए, सर स्टडी मटेरियल को चेंज कर दूं क्या? मैंने कहा बिल्कुल चेंज ना कर, तेरे ना नंबर इसलिए नहीं आए क्योंकि तू एफिशिएंटली नहीं पढ़ा। बोले सर एफिशिएंट मतलब क्या होता है? देख एफिशिएंट, मैंने उसको समझाया कि ये जो शब्द है ना एफिशिएंट, बहुत बार लोग इसको प्रोडक्टिविटी ही समझ लेते हैं,
लेकिन प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंट में थोड़ा सा फर्क होता है। प्रोडक्टिविटी तो ये बोलती है कि आपने इनपुट लगाया उससे आपको आउटपुट मिले, क्वांटिटी डिसाइड नहीं करती है कितना मिले, लेकिन बोलती है कि जितना आप इनपुट लगा रहे हो उससे कुछ तो आपको आउटपुट मिले, जितना इनपुट लगाया कम से कम उतना तो आउटपुट आना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आपने 50 रुपए का इनपुट लगा दिया और आउटपुट निकल के आ रहा है 10 रुपए का, कोई मतलब वाली बात नहीं है, प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे तो उतना तो आउटपुट आ जाए। लेकिन एफिशिएंट बोलता है कि मैक्सिमम आउटपुट लाओ, ये क्वांटिफिएबल कर देता है चीजों। अगर आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हैं तो फिर आप एफिशिएंट भी माने जाओगे। प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंट में डिफरेंस है। प्रोडक्टिविटी बोलता है कि इनपुट लगाओ आउटपुट मिलना चाहिए, कितना कोई क्वांटिटी डिसाइड नहीं करता है, बस जितना इनपुट लगा रहे हो उतना तो एटलीस्ट मिल जाए, बाकी उससे ज्यादा मिल जाए। एफिशिएंसी बोलती है मैक्सिमम आउटपुट लेकर आओ उतने ही इनपुट पर, सेम इनपुट लेकिन आउटपुट आपका मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होने चाहिए आपके रिसोर्सेस का। एक बार इस बात को यहां पर देखते हैं। अगर हम बेसिक लेवल पर बात करें, प्रोडक्टिविटी जो है वो इनपुट और आउटपुट की रिलेशनशिप को देखती है। वो ये देखती है कि आखिर आपका रेशियो क्या चल रहा है, आप कितना इनपुट लगाकर कितना आउटपुट निकाल पा रहे हो। अगर आपने एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपया रॉ मेटेरियल के तौर पे खर्च किया तो एटलीस्ट उसको 150 रुपए में तो बेचो ना, तब तो प्रोडक्टिव काम कर रहे हो। अगर लॉस में बेच रहे हो तो प्रोडक्टिव नहीं है। लेकिन अगर मैं एफिशिएंसी की वहीं पर बात कर दूं, उसके अंदर मैक्सिमम आउटपुट काउंट किया जाता है। प्रोडक्टिविटी के अंदर कोई क्वांटिटी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना बोला गया है जितना आपने इनपुट लगाया कम से कम उसके बराबर तो आउटपुट आए या फिर उससे ज्यादा आउटपुट आ जाए। लेकिन एफिशिएंसी जो है वो बोलती है मैक्सिमम आउटपुट आना चाहिए तो फिर तुम सही तरीके से काम कर रहे हो। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी लेवल होना चाहिए तुम्हारा, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम आउटपुट, तो तुम्हें एफिशिएंट माना जाएगा, कंपनी को एफिशिएंट बोला जाएगा। मैंने जो ये कहानी सुनाई, क्या इससे कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया आप लोगों को कि हम आखिर क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि कोई भी कंपनी जो है उसे प्रोडक्टिव काम करना चाहिए, कंपनी जो है उसकी एफिशिएंसी बेहतर होनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी का मतलब है आप इनपुट से आउटपुट जो निकाल कर लेकर आ रहे हो, आप जो मेहनत कर रहे हो उसका जो नतीजा आ रहा है वो नतीजा मेहनत के बराबर या उससे ज्यादा आए। लेकिन एफिशिएंसी बोलती है कि मैक्सिमम आए, वो लास्ट इतना नतीजा निकाल कर लाओ कि उससे लास्ट आप कुछ और ज्यादा निकाल नहीं पाओ। और कंपनी को प्रोडक्टिवली और एफिशिएंटली दोनों तरीके से काम करना पड़ेगा, तभी जाकर कंपनी एक सही मायने में काम कर पाएगी। एक बार चैट बॉक्स पर मुझे बता दें क्या यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई। मैसेज अगर नहीं आए ना समझ में, बिंदास बोल दीजिएगा कि सर समझ में नहीं आया, दोबारा से समझा दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं दोबारा समझा दूं। ठीक है जी। तो अभी तक हमने देखा कि प्रोडक्टिविटी का मतलब है इनपुट्स और आउटपुट का रिलेशनशिप देखना, और उसमें ये देखना कि जो आपका आउटपुट है वो कम से कम इनपुट के बराबर हो। ऑल्दो ये प्रोडक्टिविटी के अंदर वॉल्यूम क्वांटिटी डिसाइड नहीं होती है, बट इतना होता है कि इनपुट के बराबर तो आ जाए ना। एफिशिएंसी जो है वो तो मैक्सिमम को लेकर चलती है। स्टूडेंट बोलता है सेम तो हो, बिल्कुल सही बात, सेम यहां तक की बात समझ में आ गई। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की बात मुझे समझ में आ गई है, लेकिन मुझे एक चीज बता दो सर, मैंने ये सुना है कि सर एफिशिएंसी दो टाइप की होती है, एक होती है सर टेक्निकल एफिशिएंसी और सर एक होती है एलोकेटिव एफिशिएंसी। पहली बात, क्या सर ये सही है कि सच में एफिशिएंसी दो टाइप की होती है? हाँ जी ये सही बात है। तो सर ये क्या क्या होती है एक बार ये समझा। टेक्निकल तो मैंने समझा दिया आपको, टेक्निकल तो मैंने समझा दिया। टेक्निकल बोलती है सेम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। सर अलोकेटिव क्या होती है? हाँ अलोकेटिव समझ लो, अलोकेटिव एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैं दोनों को, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। एक कंपनी है जिसका नाम है कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक बनाती है वो कंपनी।
कोल्ड ड्रिंक बनाने में बहुत सारी चीजों का यूज होता है, उसमें से कुछ को हम यहां पर देखते हैं। पानी का यूज होता है, शुगर का यूज होता है, मशीन का यूज होता है, और भी बहुत सारी चीजों का होता है। ये तीन बातें अभी हमें देखनी है, बहुत ध्यान से सुने। मैं दो सिचुएशन दे रहा हूं आपको। सिचुएशन नंबर वन, सभी इनपुट्स अवेलेबल हैं, वहां पर काम करने वाला बंदा भी खड़ा हुआ है, मैन मशीन मटेरियल्स मनी सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप सही आउटपुट नहीं निकाल पा रहे हो, मैक्सिमम आउटपुट नहीं निकाल पा रहे। हम बोलते हैं टेक्निकल इनएफिशिएंसी। टेक्निकल इनएफिशिएंसी का मतलब सब कुछ तो है यार तुम्हारे पास में, बस तुम्हें टेक्निक नहीं आती। टेक्निक तुम्हें ये नहीं पता कि इनको यूज किस तरीके से करें कि मैं मैक्सिमम पे पहुंच जाऊं। अवेलेबल सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि अवेलेबल नहीं। एक दूसरी सिचुएशन, इनपुट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, पानी नहीं था या शुगर नहीं थी या मशीन नहीं थी या बंदा लेबर नहीं थी या कुछ भी नहीं था, लेकिन कोको कोला को माल तो मार्केट में बेचना था, तो उसने कहीं और से कोल्ड ड्रिंक परचेज करी हायर प्राइसेस पे। एलोकेटिव इन एफिशिएंसी, ये एलोकेटिव है क्योंकि इसके अंदर आपके पास में मटेरियल ही नहीं है। तो अगर कोई कंपनी इसलिए इन एफिशिएंट है, अगर कोई कंपनी इसलिए इन एफिशिएंट है, इसलिए सही नहीं कर पा रही है, इसलिए ज्यादा खर्चा कर दे रही है, इसलिए ज्यादा इनपुट लगा रही है और आउटपुट उतना नहीं निकल रहा है, क्योंकि उसके पास में प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, वो एलोकेटिव इन एफिशिएंसी है। लेकिन अगर आपके पास में सब कुछ अवेलेबल है फिर भी आप डिजायर्ड आउटपुट नहीं निकाल पाते हो, मैक्सिमम आउटपुट नहीं निकाल पाते हो, कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपके समझ की दिक्कत है, वरना अवेलेबल आपके पास में सब कुछ है। तो जो हमने मैंने आपको पहले पढ़ाया वो था टेक्निकल इनएफिशिएंसी, टेक्निकल। और एक एलोकेटिव है, इसका मतलब होता है कि आपके पास में जो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है वो उस वक्त प्रेजेंट नहीं है, इसलिए आप इनएफिशिएंट तरीके से काम कर रहे हैं। तो अभी तक मैंने दो बातें बता दी आपको। एक मैंने बताया, एक होती है प्रोडक्टिविटी, इसका मतलब होता है इनपुट और आउटपुट का रेशियो देखना कि आप जितना इनपुट लगा रहे हो क्या उतना तो आउटपुट निकल रहा है ना। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, ध्यान से सुने। कुछ दिनों पहले की बात है, एक स्टूडेंट आया मेरे पास में, यूपीएससी की पढ़ाई कर, आईएएस का एग्जाम दे रहा है। आया बोला, सर मैं सोच रहा हूं कि जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी भी आता है इसके अंदर सब्जेक्ट में, बोले सर ज्योग्राफी जो है उसको मैं 6th क्लास से पढ़ना शुरू करूं सर, एंड 12th क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़ लेता हूं। जो एनसीईआरटी पढ़नी होती है वो मैं 6th से 12th तक की पढ़ लेता हूं। मैंने कहा ऐसा मत कर, उल्टा कर, उल्टा। बोला सर कैसे? मैंने कहा सिर्फ 11th की और 12th की एनसीईआरटी पढ़। अगर तुझे 11th और 12th की एनसीईआरटी समझ में आ जाती है और कहीं कोई डाउट नहीं है, दैट्स इट, मैटर खत्म कर देना, 6th से लेके 10th तक की मत पढ़ना, क्योंकि तू इसमें टाइम बहुत ज्यादा देगा लेकिन उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं निकलेगा, ये प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। अगर तू 11th 12th को पढ़ लेगा तो ये इनपुट सिर्फ तू जितना दे रहा है उससे ज्यादा तू आउटपुट लेकर आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं से आता है। ये 6th से लेकर 10th तक तो हम बस तब पढ़ते हैं जब हमें ये नहीं समझ में आ रही है, बेस क्लियर करने के। तू प्रोडक्टिवली काम करना यार, जितना तू इनपुट लगा रहा है उतना तू आउटपुट लेकर आना या फिर उससे ज्यादा लेकर आ। और एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब है टोटल एफिशिएंट हो जा, सब कुछ अपना 100% दे दे, मैक्सिमम आउटपुट लेकर आना है तेरे को। इस ज्योग्राफी के अंदर तेरे को बाकी सभी सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आने हैं, मैक्सिमम आउटपुट। लेकिन वो बोला, बोला सर मेरे को एक डाउट है सर, मेरे पास में सर सभी मेटेरियल है, स्टडी मेटेरियल पूरा है सर, सब कुछ है, फिर भी सर मैं मैक्सिमम आउटपुट नहीं ला पाता हूं, क्या वजह है?
वजह ये है कि तू सही से नहीं पढ़ रहा है, तू यार एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है, तेरी टेक्निक खराब है यार। तू पढ़ता है, पढ़ते वक्त तू व्हाट्सएप खोल के बैठता है, यूट्यूब खोल के बैठता है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तू रहता है उस वक्त। लेकिन वो ये बोलता है सर मेरे पास में मेटेरियल ही नहीं है, सर मेरे पास में मेटेरियल ही नहीं है सर, इसलिए मुझे यूट्यूब पर जाकर ऑनलाइन पढ़ना पड़ता है। अबे फिर तो यार तू अलोकेटिव इनएफिशिएंसी में चल रहा है भाई, क्योंकि मटेरियल अवेलेबल नहीं है तेरे पास में, इसलिए तू मैक्सिमम आउटपुट नहीं ला पा रहा है। तो एक बार सभी बच्चे चैट पर मुझको ये बता दें कि यहां तक की कहानी आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई। नहीं आई तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, मैसेज आ रहे, समझ में आ गया, ओके। अब हम चलेंगे नेक्स्ट। अब देखिए ये थोड़ा सा ज्ञान बांटा हुआ है यहाँ पे, वही सेम चीज है, इसको पहले मैं एक बार शॉर्ट में अपनी लैंग्वेज में बता देता हूँ, फिर मैं इसको पॉइंट वाइज समझा दूंगा और मैं क्वेश्चन की फॉर्म में पूछना चाहूंगा आपसे, आप जवाब देंगे। मुझे ये बताइए कि अगर कोई भी कंपनी ग्रो करना चाहती है, अगर कोई भी कंपनी अच्छे से डेवलप होना चाहती है और प्रॉफिट्स कमाना चाहती है, क्या उसको प्रोडक्टिवली काम करना चाहिए, प्लस क्या उसको एफिशिएंटली काम करना चाहिए, और दोनों ही चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सेम बात यहां पर इन तीनों पॉइंट्स में बोली गई है, प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी को इंप्रूव करो टाइम टू टाइम, धीरे 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 इंप्रूव करते चले जाओ, जिससे एट लास्ट हम फर्म की परफॉर्मेंस, मतलब कंपनी की परफॉर्मेंस जो है उसको बेहतर कर पाए। धीरे धीरे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते चले जाओ, एनालाइज करते रहो। हालांकि ये सेकंड पॉइंट को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, कि आप ये देखते रहो कि कंपनी की स्ट्रेंथ कहां पर है, वहां पर उसको यूज करो, और अब हमेशा कंपनी के अंदर एक कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट बनाकर रखो। कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट का मतलब है कि हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। जैसे मैं यूपीएससी का ही एक एग्जांपल लूं आपके लिए, जो भी बंदा इस यूपीएससी की तैयारी कर रहा है ना, ऐसा नहीं है कि वो मोटिवेटेड नहीं है या वो पढ़ना नहीं चाहता। अगर वो यहाँ पर आया है तो वो पढ़ना ही चाहता होगा, ऑब्वियस बात है। लेकिन उसको क्या करना चाहिए, उसको ना टेस्ट देते रहने चाहिए टाइम टू टाइम, हर दो दिन के अंदर एक टेस्ट लगाना चाहिए उसको अपना। उसे ये पता लग जाता है दो दिन उसने जो पढ़ा उसका उसे कुछ नतीजा मिला कि नहीं मिला, उससे वो एक कंपटीशन के अंदर लगा रहेगा। अदरवाइज वो टेस्ट सीरीज नहीं देगा ना, वो घर पे बस बैठकर पढ़ता रहेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता रहेगा कि मैं मार्केट में लोगों के बीच में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं। तो कंपनी को हमेशा अपना एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रखना चाहिए। इसके लिए हो सकता है एम्प्लॉयज के बीच में डिक्लेयर कर दो कि हम एम्प्लॉय ऑफ द मंथ देंगे आपको, जो बढ़िया काम करेगा उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, सैलरी हाइक दिया जाएगा, गोवा में घूमने के लिए दिया जाएगा, कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट लेकर आते। तो यहां तक अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया इसके बारे में, अब हम चलेंगे आगे। अब नेक्स्ट बात, बहुत ही इजी चीज पढ़ाने वाला हूं, इस पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और आ चुके हैं, बहुत ध्यान से सुने आप लोग, बहुत ध्यान से। स्टूडेंट मेरे से ये बोलता है कि सर मुझे ये समझ में आ गया प्रोडक्टिविटी क्या होती है, सर मुझे ये समझ में आ गया एफिशिएंसी क्या होती है, लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन है, सर क्वेश्चन मेरा ये है, आखिर ये कैसे निकाला जाता है, कैसे इसको मेजर किया जाता है कि कंपनी प्रोडक्टिवली काम कर रही है कि नहीं कर रही, एफिशिएंटली काम करती है कि नहीं करती, कितनी एफिशिएंटली कितनी प्रोडक्टिविटी के साथ में काम कर रही है, इसको मेजर कैसे करें। बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई एक तरीका नहीं है। कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इसके अंदर काम कर रहे हैं, सिर्फ एक तरीका नहीं है जिससे आप कंपनी की प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर लो, बहुत सारे तरीके होते हैं। क्यों होते हैं बहुत सारे तरीके? इसलिए होते हैं क्योंकि कंपनी बहुत लार्ज लेवल पर काम कर रही है। लेकिन फिर वहां पर एक क्वेश्चन आता है मेरे पास में, और स्टूडेंट का क्वेश्चन ये आता है कि सर सोचिए दो टाइप की कंपनी है, सर सर एक वो कंपनी है जो कि सिंगल इनपुट लगाती है और सिंगल आउटपुट निकालती है, वो माथापच्ची नहीं करती सर ज्यादा, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट,
एक ही तरीके का प्रोडक्ट बना रही है बहुत सालों से, उसमें एक ही तरीके का रॉ मटेरियल अंदर डाला जाता है, एक ही तरीके का उसे मेन प्रोडक्ट चाहिए। और सर एक कंपनी है जो बहुत सारे इनपुट्स डालती है क्योंकि उसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने हैं। सर मुझे ये बताइए, अगर प्रोडक्टिवली प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी को मेजर करना हो तो कौन सी कंपनी के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को मेजर करना, और किसके लिए थोड़ा हार्ड होगा? जो कंपनी सिंगल लेवल पर काम कर रही है उसके लिए इजी है, जो कंपनी बहुत सारे इनपुट्स और बना रही है बहुत सारे आउटपुट है उसके लिए हार्ड हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यही बात देखो यहां पर लिखी हुई है। देखो बेसिकली एक फर्म के लिए ये तय कर पाना कि कितना आउटपुट कितना इनपुट निकल रहा है ना, ये मेजर करना जरूरी होता है। अब अगर आप देखो, अगर कोई सिंगल इनपुट है सिंगल आउटपुट है तो उसके लिए तो इजी हो जाता है, लेकिन अगर बहुत सारे आउटपुट्स बहुत सारे इनपुट्स डाले जा रहे हैं तो फिर उस केस में थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाता है। और फिर उस केस में हमारे पास में बहुत सारी डिफरेंट अप्रोचेस हैं जो कि मैं अभी पढ़ाऊंगा, मैं भी पढ़ाऊंगा कौन कौन सी अप्रोच होती है। उन बहुत सारी अप्रोचेस को यूज करते हुए फिर हम देख पाते हैं कि कितना प्रोडक्टिवली कितना एफिशिएंटली कंपनी काम कर पा रही है। तो अभी तक सिर्फ मैंने बताया प्रोडक्टिविटी क्या है, एफिशिएंसी क्या है, दो टाइप की है, टेक्निकल अलोकेटिंग। उसके अलावा फिर हम लोगों ने पढ़ा इसको मेजर कैसे किया जाता है। मुझे बताएं क्या यहां तक की कहानी आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, एक बार इतना सा बता दे चैट। यहां तक का क्लियर है? ओके ठीक है, वेरी गुड। अब बहुत ध्यान से सुने आप लोग, स्टूडेंट बोलता है, बोला सर अभी अभी आपने मेरे से ये बोला कि अगर सिंगल फर्म है, पहले सर मुझे इस बात का मतलब बताओ, पहले तो इस पॉइंट का मतलब बताओ, सिंगल फर्म का मतलब क्या है? सिंगल फर्म का मतलब है कि एबीसी नाम की एक कंपनी है जिसकी कोई सब्सिडरी नहीं है, जिसकी कोई होल्डिंग नहीं है। ठीक है सर, समझ गया, तो इजी है ना यार, उसको माथापच्ची नहीं करनी सब्सिडरी या होल्डिंग की, अकेली कंपनी है, अकेला इनपुट डाल रही है, अकेला आउटपुट है, तो उसके लिए देखो कितना इजी हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे चलाओ, दो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, दो कोचिंग चल रही है, एक कोचिंग चल रही है जहां पर सिंगल टीचर है, अकेला वो पढ़ाता है, सब कुछ अकेला मैनेज कर रहा है, और एक ही सब्जेक्ट, एक या दो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है, एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उसके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा मैनेज करना। एक कोचिंग है जहां पर प्रॉपर इंस्टीट्यूट लेवल पर काम चल रहा है, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा मैनेज करना सबके लिए। यहां पर कुछ डिफरेंट अप्रोचेस आ जाएंगे, यहां पर तो इजी है। हमें ये देखना है कि डिफरेंट अप्रोचेस जो है वो क्या है। अब डिफरेंट अप्रोचेस के लिए एक अप्रोच होती है पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, और एक होती है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से। सिंगल इनपुट, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग जवाब देंगे, बहुत ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन मेरा, एबीसी नाम की एक कंपनी है, एक ही इनपुट बनाती है, एक ही इनपुट है, एक ही आउटपुट है, उसको मेजर करना है प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी। वो अपने सिंगल इनपुट में चेंज कर रही है, सिंगल इनपुट में चेंज कर रही है, सिंगल इनपुट में चेंज कर रही है, और एक दूसरी तरफ कंपनी है एक्स वाई जेड जो कि बहुत सारे इनपुट्स बनाती है, बहुत सारे आउटपुट्स निकलते हैं, तो इसलिए उसे बहुत सारे इनपुट्स में चेंज करना पड़ रहा है। क्योंकि ये कंपनी सिंगल लेवल पर काम कर रही है इसलिए इसको सब कुछ चेंज नहीं करना,
ये सिर्फ पार्शियल भी चेंज कर दे, थोड़ा सा भी चेंज कर दे, ये अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को निकाल लेगी। लेकिन क्योंकि कंपनी बहुत सारा कुछ कर रही है, इसलिए उसको सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझें आप, मैंने आपको बोला दो कोचिंग है, एक कोचिंग है एबीसी, अकेला आदमी पढ़ाता है, वो सिर्फ अपनी टाइमिंग चेंज करेगा, पार्शियल, खत्म, किस्सा, उसे कुछ लेना देना नहीं, इजी हो गया उसके लिए। लेकिन एक दूसरा इंस्टीट्यूट है जहां पर बहुत सारा कुछ है, बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उसे सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। एक टीचर की टाइमिंग चेंज हुई ना तो सबकी टाइमिंग चेंज हो जाएगी। तो अगर कल को आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि एक कंपनी है और वो पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को यूज करके, इस अप्रोच को यूज करके मेजर कर रही है प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी, बोल देना सिर्फ सिंगल इनपुट में चेंज हो रहा है, टाइप कर देना उसमें, लिख देना। अगर आ जाए कि यार टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी अप्रोच को यूज किया जा रहा है, लिख देना बहुत सारे इनपुट्स पे चेंज किया जा रहा है, एक से ज्यादा इनपुट में चेंज किया जा रहा है, तो इस अप्रोच को टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी अप्रोच बोलते हैं। ये बात यहां पर क्लियरली लिखी हुई है। और मैं दोबारा से एक और चीज बता दूं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है आपके ऑलरेडी, सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है, और मैं आप लोगों को एक दो दिन में सॉल्व भी करवाऊंगा कुछ क्वेश्चंस, जिससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि एग्जाम में कुछ किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंटिन्यू प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है। एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयर का, कंपनी का काम होता है कि उसके ऑब्जेक्टिव को कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ में लिंक कर देना, उसकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना, उसको काम देना, मॉनिटर करना, डेवलपमेंट करना। परफॉर्मेंस अप्रेजल साल में 2 बार होता है, एक बार मिड में होता है ईयर के, जिसमें एम्प्लॉय खुद सेल्फ रेटिंग देता है, एक बार ईयर एंडिंग में होता है। ये टॉप डाउन होता है और ये जो है सुपीरियर टू इंफीरियर चलता रहता है, लाइन सिस्टम होता है इसके अंदर। और इसके अंदर देखा जाए तो एचआर संभालता है, इसके अंदर लाइन मैनेजमेंट होता है, इसमें रेटिंग दी जाती है, इसमें डेवलपमेंट किया जाता है। देन उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग आज आ गए थे, आज हमने देखा प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है इनपुट से कितना आउटपुट निकाल पा रहे हो, एटलीस्ट बराबर तो निकालो या ज्यादा निकालो, एफिशिएंसी में मैक्सिमम निकालो। एफिशिएंसी 2 टाइप की होती है, टेक्निकल, आपके पास में इनपुट्स अवेलेबल है फिर भी आप आउटपुट मैक्सिमम नहीं निकाल पा रहे हो, टेक्निकली इनएफिशिएंट हो। अगर आपके पास में नहीं है इनपुट्स तो अलोकेटिव इनएफिशिएंट होगा। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि इनको मेजर भी किया जाता है, जो कंपनी सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट लेवल पर खेल रही है उसके लिए तो इजी होता है, जो बहुत सारे इनपुट्स आउटपुट्स पर चल रही है उसके लिए हार्ड होता है। सिंगल वाला जो अप्रोच यूज करता है उसे पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, बहुत सारा जो अपनी अप्रोच यूज करता है उसे टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। एक बार सभी बच्चे चैट पर मुझको ये कंफर्म कर दें कि यहां तक की कहानी आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अगर डाउट हो आप लोग बिंदास पूछ सकते हैं, मैं दोबारा समझा सकता हूं, नई एग्जांपल्स देके समझा दूंगा। मैसेज आ रहे हैं मेरे पास में कि सर आ गया, वेरी गुड, ओके। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जवाब देंगे आप लोग। सर ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है क्या? हाँ जी बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है प्रतिभा, बिल्कुल प्रैक्टिकली भी ऐसा ही होता है। अच्छा ये वाला टॉपिक आप पूछ रहे, ठीक। अब एक चीज, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप बहुत ध्यान से देखें, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जवाब आपको देना है और हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक सॉल्व हो जाएगा। अच्छा एक और चीज मैं इससे पहले आपको बता दूं, देखिए एसपीएम और इसमें भी स्टडी नोट 1 एंड 2, इसमें टीचर जो है ना वो सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर कर सकता है आपको, और उसके अलावा टेस्ट ले लेंगे आपका, उससे क्या होगा लिखने का तरीका आपको क्लियर हो जाएगा कि भैया आप जो आंसर लिख रहे हो एग्जाम में वो चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि लिखने का तरीका भी मैटर करता है। बट कुछ चीजें जो है वो आपको यहाँ पर खुद को याद करनी पड़ेंगी, है ना, आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करवाया जा सकता है, ये कोई लॉ या कुछ और चीज तो है नहीं कंसेप्चुअल जिसमें आपके दिमाग में कोई चीज फिट कर दी जाए। तो जितनी मेहनत आपका इसमें कोई टीचर कर सकता है उतना ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है सर।
अब देखें, पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन। अच्छा मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है, आप लोग जवाब दें मेरे को। यार ये पता करना है कि रिलायंस कंपनी है ना, रिलायंस कंपनी है ना, जो रिलायंस कंपनी 2014 से 15 जो आपका फाइनेंशियल ईयर था, अप्रैल 2014 से मार्च 2015, इसके अंदर यार कंपनी सही चल रही थी, प्रॉफिट में थी कि लॉस में थी, यार ये पता करना है। कैसे करूं बताओ मुझे, मुझे पता करना है कि रिलायंस कंपनी जो है वो सही चल रही थी नहीं चल रही थी, मुझे बताओगे आप लोग मुझे कैसे करो। पास्ट ईयर का डेटा, इसको और इजी बोलो, इसको खुल के पास्ट ईयर, बिल्कुल सही बोला आपने। फाइनेंशियल, वेरी गुड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लो, वेरी गुड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो मैं उसका P&L देख लूं, बैलेंस शीट देख लूं, मैं उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लूं, यही बोलना चाह रहे हो, और इजी भाषा में मैं बोल दूं, यही बोलना चाह रहे हो आप, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। अच्छा अच्छा हाँ बिल्कुल सही है। एक और चीज, एक और क्वेश्चन पूछना है, एक और ध्यान से सुनो, एक और ध्यान से सुनो। अच्छा मैंने एक तो आपसे ये बोला कि मुझे तो सिर्फ 2014 से 2015, मतलब मैंने आपको गिवन पॉइंट ऑफ टाइम का बोला कि मुझे इस वक्त का चेक करना है। मैं ये क्वेश्चन एक अलग लेकर आता हूँ, नया क्वेश्चन। मुझे कुछ कुछ वक्त, अभी मुझे पर्टिकुलर टाइम का पता करना था, आप लोगों ने बोला सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर लो, सही बात है। मुझे यार 2011 से ना 2020 तक का चेक करना है, तो भी इसमें पता लग जाएगा क्या मुझको, कैश फ्लो जो स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, तो भी पता लग जाएगा ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले वाले क्वेश्चन का आंसर तो मुझे दे ही रहे, गिवन पॉइंट ऑफ टाइम का पता करना है तो भी पता लग जाएगा। और अगर आपको उसकी फर्म की परफॉर्मेंस एक पर्टिकुलर टाइम की पता करनी है तो भी पता लग जाएगा। बेसिकली बात यह है कि अगर आपको यह देखना है, कंपनी की परफॉर्मेंस देखनी है, कंपनी के ट्रेंड्स देखने हैं, कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट में या लॉस में रही थी, तो आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर लो। ये आपने जवाब सही दिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, कौन कौन करेगा और क्यों करेगा, कोई क्यों करेगा किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक? घर पे बैठे आराम से सोए मजे करे, दिवाली आ गई पटाखे फोड़े, काहे को जबरदस्त? इन्वेस्टर, वेरी गुड, पहला पॉइंट। सर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो चेक करेगा सर, वेरी गुड, पहला सही है, इंटरेस्ट है उसका, वेरी गुड, तो इन्वेस्ट करने के लिए, बिल्कुल सही जवाब हो गया इन्वेस्ट। अच्छा क्रेडिटर भी चेक करेगा कि नहीं करेगा? पढ़ा है ना आप लोगों ने, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड पढ़ा है, क्रेडिटर जो है वो चेक करेगा कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, नहीं तो जाऊं मैं एनसीएलटी के पास, मैं बोलूं चलो इसे रिवाइव करो, रिवाइटल की गोली दो, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना दो, क्रेडिटर भी चेक करेगा। यार अथॉरिटी चेक नहीं करेगी क्या? आरओसी चेक नहीं करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट चेक नहीं करेगी ये टाइम पर एनुअल रिटर्न फाइल करता है कि नहीं करता, बोर्ड रिपोर्ट फाइल करता है कि नहीं करता? और ये चेक नहीं करेंगे कि इसने जो, ऑडिटर चेक नहीं करेगा? ऑडिटर भी तो चेक करेगा कि यार इसने जो फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाई हुई है, अपने जो कैश फ्लो बैलेंस शीट ये सब बनाए हुए हैं, कहीं इसमें झूठी बात तो नहीं लिखता, ऐसा तो नहीं है कंपनी प्रॉफिट में चल रही है फिर भी लॉस में दिखा रहा है, यार ये चीजें भी चेक करी जाएंगी। तो यही बात है साहब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का जब एनालिसिस, पहली बात तो कोई भी कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एनालिसिस होना चाहिए, जरूरी है। कंपनी को उसकी असलियत पता लग जाती है, कंपनी को उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता लग जाती है, कंपनी को यह पता लग जाता है कि कंपनी अगर 5 प्रोडक्ट बना रही है, कंपनी अगर 5 प्रोडक्ट बना रही है तो यार 2 प्रोडक्ट जो है ना वो तो खूब बिक रहे हैं, 3 प्रोडक्ट नहीं बिक पा रहे हैं, इन 3 प्रोडक्ट के अंदर सुधार लेकर आओ वरना मार्केट से निकल जाओगे, वरना आइडिया और वोडाफोन हो जाओगे, है ना? तो अब सुधार लेकर आते रहो इसके अंदर। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपको बताता है पैसा कितना कमा रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज समझने की कोशिश करना, एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज समझो। देखो बहुत सारे लोग ना ये बोलते हैं कि यार सलमान खान बेकार एक्टर है। अबे बेकार एक्टर है, अच्छा एक्टर है, गोली मारो ना। आप तो ये देखो कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नाम का इंसान पैसा लगाता है कंपनी मूवी बनाने में, इस आदमी की फेस वैल्यू इतनी है कि ये आपको उसका रिटर्न निकाल के दे देता है या फिर वापस कर देता है। मोटिवेटिंग फैक्टर है यार, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है उनको एनालाइज किया,
तो ये कंपनी बढ़िया चल रही है, सलमान खान की कंपनी भाई साहब जोरदार चल रही है। एक तरफ है इरफान खान, एक नंबर का एक्टर है, बहुत जोरदार एक्टिंग करता है, बट थिएटर में कोई देखता नहीं है ना यार इसको, थिएटर में कोई देखने नहीं आता ना यार इसको। यार ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखा जाए तो बेहतर नहीं है। अगर आज रोड पर सलमान खान खड़ा हो जाता है तो कितने लोग इसको देखने आएंगे, मतलब इन्वेस्टर्स बहुत हैं यार इसके, क्योंकि इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बोलता है। लेकिन यार इरफान खान खड़ा हो जाए तो आएंगे लोग, लेकिन ज्यादा नहीं आएंगे क्योंकि इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ज्यादा नहीं बोलता है। भैया पैसा जो है उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, वो बताएगा आपको कि क्या स्ट्रेंथ है और कितना वीकनेस है। आप देखिए इतने बढ़िया जो एक्टर हैं, अब वो भी हीरो बन गए हैं, एक्टर और हीरो में डिफरेंस है ना, वो भी ऐसी कुछ मूवीज करने लग गए हैं जिनसे ज्यादा से ज्यादा मास मीडिया उनके पास में आए, ज्यादा से ज्यादा लोग उनके पास में आए, एक्शन फाइटिंग वाली जो नॉर्मली होती है मूवीज वैसी करने लग गए। तो उन्हें अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना पड़ेगा, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करना पड़ेगा, हर साल अपने लिए कुछ फोरकास्टिंग बजट बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा पूरी साल में कितनी ग्रोथ कर रहे हो, पिछली साल क्या ट्रेंड था, पिछली साल अगर 2% से कंपनी बढ़ी है तो इस बार 1.5 क्यों है, आपको 1.5% की ग्रोथ नजर आ रही है इस साल, लेकिन मैं बोल रहा हूँ पिछले साल से आप 0.5% गिर गए हो, सुधार लाओ यहाँ पर, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एनालिसिस करो। आपकी कंपनी का ओनर, क्रेडिटर, इन्वेस्टर, अथॉरिटीज, गवर्नमेंट, ऑडिटर, सब लोग इसके ऊपर नजर जमाए हुए हैं, है ना, सब लोग। आपका जो फाइनल जो आउटकम होगा ना, लोग उसके बेसिस पर आपके अंदर इन्वेस्टमेंट, अगर कोई स्टूडेंट है और वो खूब पढ़ाई करता है बट बाई चांस वो फेल हो जाता है, तो भैया वो फेलियर है, कोई नहीं देखता कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना अच्छा इनपुट लगा रहा है, लोगों को चाहिए कि आउटपुट कितना बढ़िया आ रहा है, रिजल्ट चाहिए, मेन मुद्दा ये है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा, हर कंपनी को अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना जरूरी है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखना जरूरी है, अपने बैलेंस शीट पीएनडल देखना जरूरी है, हर साल अपने लिए बजट बनाना जरूरी है, ग्रोथ डिसाइड करना जरूरी है, ठीक है। और जो चीजें आपको लगता है कि आपके लिए कमी है उनको खुद से सेपरेट कर दो, अलग कर दो, और कोशिश करो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाए। कंपनी जो है वो ओनर, क्रेडिटर, इन्वेस्टर, जो भी कंपनी के अंदर आ रहा है, एटलीस्ट वो कंपनी की गुडविल को इंक्रीज करने के नजरिए से ही देखे, कंपनी के अंदर कोई सुधार करने के नजरिए से ना देखे। अगर आपको किसी कंपनी का एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जानना है फाइनेंशियल पोजिशन क्या थी, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर लो, अगर कुछ सालों का चेक करना है तो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर। यहां तक की कहानी हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, एक बार मुझे आप लोग सभी बताएं क्या यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई। क्लियर है? ठीक है जी। तो आज की क्लास में देखें हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नोट्स में टेलीग्राम पे आपको सेंड कर चुका हूं, आपका काम क्या है एक बार वो सुन लें आप लोग। कल मैं आप लोगों को जितना अभी तक पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा, है ना, क्योंकि हमको फालतू में बस मगप नहीं करना है हर चीज को, बस ऐसे अंदर ही अंदर नहीं, बस याद कर लो ऐसा, अपने को एटलीस्ट ये पता लग जाए कि भैया क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, अटेम्प्ट किस तरीके से करने, तो थोड़ा सा सही रहेगा मामला। तो यहां तक का जो पढ़ाया है वो पढ़ के आ जाए आप लोग कल, उसको हम लोग क्वेश्चन की फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो वो मेरे से अभी पूछ सकता है। अब देखिए हम लोगों ने कल पढ़ लिया था इस टॉपिक तक, अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, जितना अभी तक हमने पढ़ा है, जितना टॉपिक अभी तक हमने लास्ट अपनी दो क्लासेस के अंदर पढ़ा है, हम थोड़ा सा क्वेश्चंस देख लेते हैं। इनमें कुछ क्वेश्चंस वो भी हैं जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस आपको वो भी मिलेंगे जो कि यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। क्लियर है? आप सभी स्टूडेंट इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन को पढ़ें और चैट बॉक्स पर पहले मुझको आंसर लिखकर भेजें, फिर मैं इसका आपको एक्चुअल आंसर बताऊंगा। पहले आप लोग ट्राई करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, दिसंबर 2018 में आया हुआ है ये क्वेश्चन।
कशिश का जवाब सही है। बाकी सभी बच्चे बताएं एक बार यार। प्रतिभा का सही है। देखो नाम से अभी अभी मैंने बताया, ऑल इनपुट्स। ऑल इनपुट्स का मतलब क्या है? मोर देन वन इनपुट। ऑल इनपुट्स का मतलब एक इनपुट से ज्यादा चेंज किया जा रहा है, मतलब कंपनी जो है वो बड़े लेवल पर काम कर रही है, तो कंपनी के काफी सारे इनपुट्स हैं उसके अंदर चेंज किया जा रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के आउटपुट्स में चेंज आ रहा है। इस तरीके को हम टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। सिंपल सी कहानी आ गई यहां तक की। ये हम लोगों ने कर लिया और ये आपका दिसंबर 2018 में आया। आप सभी बच्चे सेकंड वाले क्वेश्चन को देखें, इसका आंसर बताएं जल्दी से। सौरभ का गलत है, रजत का सही है, अनुष्का का सही है, गुनगुन का गलत है। सी आंसर है इसका। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब मैंने ये बताया था कि जो एम्प्लॉय है वो जो काम करेगा, जो परफॉर्मेंस देगा, एम्प्लॉय जो अपनी परफॉर्मेंस देगा, उसका मेन एम कंपनी का एम होना चाहिए, क्योंकि लिंक कर दिया गया है। हमने पढ़ा था परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर कंपनी का एम और एम्प्लॉय का एम लिंक कर दिया जाता है, जिससे एम्प्लॉय जब अपनी परफॉर्मेंस दे रहा होता है तो उसको कंपनी के एम्स अचीव करने होते हैं। एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस और कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का गोल, ये इसका सही जवाब। आया समझ में आप लोगों को कि नहीं आया, एक बार बता दें चैट बॉक्स पर जल्दी से। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2019 के अंदर आया हुआ है। नेक्स्ट, थर्ड वाले को देखकर आंसर दें जल्दी से। थर्ड वाले को जल्दी से आंसर दे दें। दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है ये। बहुत ही सिंपल है और ये स्टेटमेंट कल मैंने बताया था। दिशा का जवाब सही है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर दें इसका, थर्ड वाले का। ठीक है, कशिश का सही है। ठीक है प्रतिभा, ज्यादातर बच्चों के सही है, बिल्कुल सही। ध्यान कीजिए मैंने क्या बोला था। मैंने आपको ये बोला था कि अगर कोई कंपनी की प्रोडक्टिविटी बहुत सही चल रही है तो फिर उसका मतलब है वो एफिशिएंट मानी जाती है ना। ये लाइन हम लोगों ने क्लियरली लिखी भी हुई है कि अगर किसी कंपनी की प्रोडक्टिविटी चल रही है अच्छी खासी, तो इसका मतलब है वो कंपनी एफिशिएंट है। वो कंपनी, क्योंकि एफिशिएंट का मतलब ही है मैक्सिमम आउटपुट। तो ये अभी तक हम लोगों ने लास्ट जो अपनी दो क्लास ली हैं उनके रिलेटेड, उनसे रिलेटेड एग्जाम में आपके ये तीन क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं जो कि हम लोगों ने यहां पर देखे। अब कुछ प्रैक्टिस के लिए हम लोग देख लेते हैं। जल्दी से फोर्थ वाले का आंसर बता, फोर्थ वाले का आंसर बताओ जल्दी से। वेरी गुड, अनुष्का का ठीक। देखो नाम से पता चल रहा है। ऐसा कौन सा सिस्टम है जो ये डायरेक्शन देता है कि कंपनी के जो मैनेजर्स हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, उनका भी एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा एम्प्लॉयज के साथ में, मतलब वो भी एम्प्लॉयज के साथ में बैठ के काम करेंगे, उनको सिखाएंगे, उनको डेवलप करेंगे। मैंने बोला था लाइन सिस्टम जो है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर होता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि जो सुपीरियर है वो अपने इंफीरियर को समझाता है, और वो इंफीरियर खुद किसी का सुपीरियर है वो उसको समझाता है। लाइन सिस्टम, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। कशिश आपने प्रोडक्ट मैनेजमेंट लिखा है, ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ का आंसर बताएं जल्दी से। बहुत ही सिंपल है, बहुत आराम से बता सकते हो। अभी अभी इसको डिस्कस किया है थर्ड वाले क्वेश्चन में, अभी अभी थर्ड क्वेश्चन में डिस्कस किया है। नीचे से यहां से पढ़ना स्टार्ट करो। हम कंपनी की एफिशिएंट सिचुएशन कब मानते हैं? कब मानते हैं कि कंपनी एकदम एफिशिएंट चल रही है, जोरदार चल रही है, बढ़िया चल रही है? जब वो कंपनी हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी को लेकर चल रही होती है।
हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी अगर लेवल है कंपनी का तो कंपनी को एफिशिएंट माना जाता है। ये इसका आंसर है। यहां पे आ गया एफिशिएंसी, यहां पे आ गया प्रोडक्टिविटी। नीचे से पढ़ने पर आपको इसका जवाब समझ में आएगा। एक बार चैट बॉक्स पर बता दें क्या फिफ्थ क्वेश्चन तक आप लोगों को समझ में आया। नहीं आया तो बिंदास दोबारा बोल सकते हैं, मैं दोबारा से समझा दूंगा। आ गया, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अब सिक्स्थ पर। जल्दी से एक बार सिक्स्थ का आंसर मुझे बता दें। बहुत सिंपल है यार, कल ही समझाया था, बताया था ना। एफिशिएंसी दो टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है ध्यान करो। एक तो टेक्निकल, बिल्कुल सही जवाब, और एक को एलोकेटिव। वेरी गुड, टेक्निकल एंड एलोकेटिव, ये इसका जवाब है, ठीक है ना। इसके बाद में अब सेवंथ पर आ जाते हैं, जल्दी से आंसर दे दें। प्रोडक्टिविटी लेवल जो है उसको चेक कैसे करते हैं? वेरी गुड, इनपुट एंड आउटपुट की रिलेशन को देखकर। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। एट्थ का जल्दी से जवाब दें। देखो यहां पे देखो क्या बोल रहा है, एक इनपुट के अंदर चेंज करने को बोल रहा है, सिंगल इनपुट में चेंज करने को बोल रहा है, सिंगल इनपुट में पीएफपी। वेरी गुड, वेरी गुड। नाइन्थ का और बता दो जल्दी से, ये बताओ नाइन्थ का बताओ, ये थोड़ा इसका जवाब सही आना चाहिए आपका। नाइन्थ का दिमाग मतलब ध्यान से पढ़ के जवाब हुआ। नहीं प्रतिभा, प्रतिभा और सोचो एक बार के लिए। आप ऐसा सोचिए, ऐसा सोचिए आपकी खुद की कंपनी है। देखें आप सभी बच्चे, मुझे लगता है जनरली ज्यादातर बच्चे सी जवाब देंगे, इसका सी नहीं डी होगा। क्यों होगा एक बार समझो इस बात, समझो। अगर आपकी खुद, आप ऐसे सोचिए आपकी खुद की कंपनी है, आप मालिक है, आप उस कंपनी की एफिशिएंसी को चेक कर रही हो, बहुत अच्छी बात है। आप उस कंपनी की प्रोडक्टिविटी को चेक कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बस चेक करके क्या करोगे, यूटिलाइज तो कर लो यार, कम से कम जो रिजल्ट निकल के आया उसे एटलीस्ट यूटिलाइज तो करो, कम से कम उसको इम्प्लीमेंट तो करो, सुधार तो। चेक तो सब किया भाई, उसको यूटिलाइज तो कर लो ना। तो ये तो देखा जाए तो एक तरीके से रिसोर्सेज हो गए आपके। तो अगर, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूं, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है आपके और ये डी वाला ऑप्शन आपको नहीं दिया होता, इसकी बजाय कुछ और होता, तो उस केस में आंसर सी होता, उस केस में आंसर सी होता। लेकिन अगर आपको यहां यूटिलाइजेशन भी दिया हुआ है तो उस केस में जवाब ये होगा। चैट बॉक्स पर एक बार बता दें यहां नाइन्थ तक क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए आप लोग। मेरे पास जवाब आ रहे हैं कि सर यहां तक की कहानी क्लियर है। क्लियर है तो अब अपन चलते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे अपना एक नेक्स्ट टॉपिक, और इस नेक्स्ट टॉपिक को मैं डायरेक्टली आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा। एक बार हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, एक मिनट। देखिए ये इन भाई साहब की एक कंपनी है, और इनकी कंपनी का नाम है मिर्जापुर एंड कंपनी लिमिटेड। इनकी एक कंपनी है साहब, इन भाई साहब की भी एक कंपनी है, और ये भी एंड कंपनी लिमिटेड, सेक्रेड गेम्स एंड कंपनी लिमिटेड, ये दोनों की अपनी अपनी कंपनी है, अपना अपना बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं। इनका नाम गायतोंडे करके है, इनका नाम है कालीन, ठीक है जी। अब देखें ध्यान से, ये मिल गए कहीं पर, ऐसे घूम फिर रहे थे, मिल गए तो इन्होंने बोला, कालीन भाई साहब ने बोला, बोले यार गायतोंडे भाई, यार ये एक स्टेटमेंट बड़ा चल रहा है आजकल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ कंपनी। ये क्या होता है यार, कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस, ये होता क्या है, क्या मतलब है, बड़ा चलता है आजकल ये स्टेटमेंट। गायतोंडे बोले, बोले कंपनी का पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड पूरा कच्चा चिट्ठा चेक कर लेना, एक एक चीज चेक कर लेना, फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी के क्या प्रॉफिट ट्रेंड्स हैं,
कंपनी पिछले 10 सालों में किस तरीके से प्रॉफिट में आगे बढ़ रही है, 2% से बढ़ रही है या 3% से बढ़ रही है या किसी रेशियो में बढ़ रही है, क्या ट्रेंड है, कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल है कि नहीं अपना काम धंधा चलाने के लिए, कंपनी का अभी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, कितने प्रॉफिट में है, कितने लॉस में है, कितना डिविडेंड दे रही है, कितने बोनस शेयर्स दे रही है, कंपनी जो है वो ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रही है जिससे उसका फाइनेंस पे फर्क पड़ रहा है। कहने का मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस का मतलब है कंपनी का फाइनेंस से रिलेटेड क्या परफॉर्मेंस है, कंपनी पैसे से रिलेटेड क्या क्या काम कर रही है, उसका पूरा कच्चा चिट्टा चेक कर लेना, दैट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस। ये बोले बोले समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया कि अगर किसी कंपनी के बारे में अगर आप पैसे से रिलेटेड सब कुछ चेक कर रहे हो तो उसको, चाहे से आप प्रॉफिट देख रहे हो, चाहे से वर्किंग कैपिटल, चाहे से उसका स्ट्रक्चर, चाहे से उसकी एक्टिविटीज, चाहे से उसके लॉसेस, चाहे से उसकी लोन, चाहे से उसके ऊपर चार्ज, कुछ भी देख रहे हो पैसे से रिलेटेड, वो सब कुछ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है। कालीन भैया बोले कि गायतोंडे भाई ये समझ में आ गया, लेकिन ये सब करता कौन है, कौन कर रहा है इस चीज को चेक। गायतोंडे बोला यार देख अलग अलग लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक सिंगल आदमी ही करेगा, कोई भी कर सकता है, सबकी अलग अलग जरूरतें होती हैं, जिसका जरूरत है वो अपनी जरूरत के लिए कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर लेता है। बोला कैसे मतलब, बोला देखो एक ऑडिटर नाम का आदमी होता है, वो भी करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि उसे ऑडिट करने के लिए बुलाया है। कोई गवर्नमेंट का आदमी हो सकता है जिसको अंदर आकर इन्वेस्टिगेशन करना है, वो भी कर सकता है गवर्नमेंट का आदमी क्योंकि उसे इन्वेस्टिगेशन, सबके अपने अपने पर्पस है यार, सबका अपना अपना तरीका है, कोई भी कर सकता है यार, ऐसा कोई ये नहीं है कि फलाना आदमी ही करेगा, नहीं कोई भी कर सकता है। क्रेडिटर कर सकता है यार, हो सकता है क्रेडिटर ने कंपनी में पैसा दिया हुआ है, बेचारे को हमेशा टेंशन लगी रहती है यार कल को कंपनी में लॉस हो गया, कंपनी बंद हो गई, मेरा तो पैसा डूब जाएगा, भैया चेक करते रहो, कंपनी के ऊपर नजर रखो, कंपनी जहां भी घाटे में जाए एनसीएलटी के पास में भग जाओ कि कंपनी सिक कंपनी बन गई है, मेरे को उस कंपनी को रिवाइव करके मेरे को मेरा पैसा दिलवाओ। क्रेडिटर इसलिए चेक करता है, इन्वेस्टर इसलिए चेक करता है कि कंपनी में कितने परसेंट से ग्रो कर रही है कंपनी या कितने परसेंट से नीचे गिर रही है कंपनी, कितने परसेंट से लॉस हो रहा है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूं कि नहीं करूं, जो शेयर कंपनी के खरीदे हुए हैं वो निकाल लूं, अपना इन्वेस्टमेंट वापस बेच दूं या अभी रहने दूं, ये इसलिए चेक करता है। मैनेजमेंट वाले इसलिए चेक करते रहते हैं कि हमारे प्रॉफिट ट्रेंड्स क्या है, पिछले सालों से हम इस साल कम चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, हमें कहां पर और इंप्रूवमेंट लाना चाहिए। तो ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस कोई भी कर सकता है, जिसकी जो जरूरत पड़ जाए, जिसका जो ऑब्जेक्टिव है उस लिए कर सकता है। तो कालीन भैया को दो बात समझ में आ गई, कालीन भैया को एक बात तो ये समझ में आ गई कि भैया ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस का मतलब है कंपनी का पैसे से रिलेटेड सब कुछ चेक करना, कोई भी कर सकता है जिसका जो पर्पस है, यहां तक की बात। और इस बात को हम क्या बोलते हैं, इस बात को हम बोलते हैं एरियाज ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस। ध्यान से देखें एक बार, फाइनेंशियल एनालिस्ट जो भी बंदा कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, वो कंपनी के प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को, कंपनी की प्रॉफिट को, कंपनी की लिक्विडिटी, पैसा है कि नहीं है, वर्किंग कैपिटल कितनी है, फिक्स असेट्स कितनी है, फंड फ्लो कितना है, सोशल परफॉर्मेंस मतलब कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ देखी जाती है, वर्किंग कैपिटल स्ट्रक्चर एक्टिविटी प्रॉफिट सब कुछ चेक किया जाता है। और कौन चेक कर सकता है, देखो कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं उनका इंटरेस्ट कंपनी से रिलेटेड है, क्रेडिटर भी रिलेटेड है, बॉन्ड होल्डर डिवेंचर होल्डर भी रिलेटेड है, इन्वेस्टर भी रिलेटेड है, मैनेजमेंट भी रिलेटेड है, गवर्नमेंट भी रिलेटेड है, ऑडिटर भी रिलेटेड है, सब अपने अपने पर्पस के लिए चेकिंग करते रहते हैं। एक बार चैट बॉक्स पर ये बता दें यहां तक की दो बातें समझ में आई कि नहीं आई, ये समझ में आना चाहिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या है, ये समझ में आ जाना चाहिए उसके अंदर पैसे से रिलेटेड सब कुछ चेक किया जाता है, ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो भी बंदा कंपनी से रिलेटेड है वो कंपनी के परफॉर्मेंस एनालिसिस को चेक कर सकता है अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। आगे चलते हैं सर, अब एक पहले मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा, फिर मैं बाद में टॉपिक पर आऊंगा, पहले एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, है ना। देखिए, एक नई कंपनी बन रही है, मतलब एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है फैमिली मैन,
ये ऑलरेडी एक कंपनी है, बढ़िया चल रही है ये कंपनी। बहुत ध्यान से सुने आप लोग, बहुत ध्यान से। ये एक आदमी है और इसका नाम कुछ बंटी करके है साहब। ये बात कर रहा है इससे, बोला भाई ये जो द फैमिली मैन कंपनी है ना यार, इसमें सोच रहा हूँ इन्वेस्टमेंट कर दूं यार मैं, बहुत प्रॉफिट में चल रही है यार ये कंपनी, मैंने सुना है, इन्वेस्टमेंट कर दूं मैं इसमें। तो ये बोला बोला कोरिया का बेस्ट मटेरियल यूज करती है ये कंपनी। जब ये कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो जो रॉ मटेरियल यूज करती है, कच्चा माल जिससे फाइनल प्रोडक्ट बनाती है, एक नंबर का रॉ मटेरियल यूज करती है, कोरिया से लेकर आते, जोरदार करती है। 2500 रुपए का प्रॉफिट कमाया है इसने, 15 रुपए का डिविडेंड देती है ये हर साल अपने शेयर होल्डर को, एक शेयर पे 15 रुपए का डिविडेंड। अगर किसी के पास 1000 शेयर है, 15,000 तो फालतू के आ गए उसके पास। बोला आपको कैसे पता ये सब, इतनी सारी बात है। बोला कंपनी ने पब्लिश किया है खुद ने, इस द फैमिली मैन कंपनी ने पब्लिश किया है खुद ने, अपने को क्या पता होगा, वरना अपन तो बाहर का आदमी है ना, अपन थोड़ी ना कंपनी से रिलेटेड आदमी है, अपने पास में थोड़ी ना कंपनी के अकाउंट्स का एक्सेस है जो कंपनी के अंदर जाकर कंपनी के एक्चुअल अकाउंट्स को देख सके। कंपनी पब्लिश कर देती है, अपन को लगता है अपन भगवान है, अपने को सब कुछ पता है। ये आदमी आए फिर बोले सुनो बे, फालतू की बातें कर रहे हो तुम लोग, कोई 2500 करोड़ का प्रॉफिट नहीं है, झूठ पब्लिश कर रही है, फालतू की बात कर रही है ये, 150 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इस कंपनी में, मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनी के अकाउंट्स चेक करने को भेजा है, मैं इंटरनल आदमी हो गया हूं अब कंपनी का, मेरे पास में कंपनी के अकाउंट्स का एक्सेस है, तुम्हारे पास में तो एक्सेस नहीं था, तुम तो एक्सटर्नल आदमी थे, तुम तो एक्सटर्नल आदमी थे, तुम्हारे पास में अकाउंट्स का एक्सेस ही नहीं था, जो कंपनी ने पब्लिश किया उसी को मानकर सच बैठ रहे, सच मान रहे। मैं इंटरनल आदमी हूं, मैं कंपनी के अंदर गया हूं, मैंने जाकर चेक किया है, जैसे कंपनी का मैनेजमेंट करता है, जैसे कंपनी का ऑडिटर करता है, जैसे कंपनी के लोग करते हैं, जैसे कोर्ट के थ्रू अपॉइंटेड कोई लॉयर कर सकता है, जैसे कोर्ट के थ्रू अपॉइंटेड कोई लिक्विडेटर कर सकता है, उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड मैं भी कर सकता। बोला कौन कौन और कर सकता है? बोला कंपनी के इंटरनल लोग कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड पर्सन जैसे कि मैं हूं, मैं कर सकता हूं, या फिर कोर्ट के थ्रू कोई भी अपॉइंटेड पर्सन जिस इंसान के पास में कंपनी के अंदर का एक्सेस है वो चेक कर सकता है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को यह बताया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस का मतलब क्या होता है, कौन कौन इसको कर सकता है, बात आती है कैसे कर सकता है, कितने टाइप का एनालिसिस होता है। दो टाइप का होता है, ध्यान से सुने, एक होता है जिसे हम मेटेरियल यूज्ड के बेसिस पर चेक करते हैं और एक होता है मॉडस ऑपरेंडी, इसको समझाऊंगा अभी, इधर देखें पहले, यहां पर नजर मारें। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस जब किया जाता है तो कितने टाइप से किया जा सकता है, दो प्रकार से, एक तो मेटेरियल को चेक करके, कंपनी के मेटेरियल को चेक करके। सर कंपनी के मेटेरियल को चेक करने का मतलब क्या, रॉ मेटेरियल चेक करना है? आप रॉ मेटेरियल भी बोल सकते हो, कंपनी के अकाउंट्स भी बोल सकते हो, कंपनी के अंदर एक्चुअल जो खर्चा हुआ है वो भी बोल सकते हो, कंपनी के वाउचर्स भी बोल सकते हो। कंपनी का मेटेरियल, मेटेरियल का मतलब वो नहीं है सिर्फ लोहा लंगड़ रॉ मेटेरियल देखना है, कंपनी के अकाउंट्स अकाउंट्स भी चेक कर सकते। अब अब मटेरियल यूज में जब हम देखते हैं तो एक एक्सटर्नल एनालिसिस होता है, एक इंटरनल एनालिसिस होता है। वो लोग जिनके पास में कंपनी के अंदर का एक्सेस नहीं है, जो कंपनी के अंदर नहीं जा सकते, जो कंपनी के अकाउंट्स को अपने हाथ में नहीं ले सकते, जो नहीं पढ़ सकते, जो बाहर के लोग है, बाहर की गवर्नमेंट एजेंसी है, बाहर का कोई क्रेडिट एजेंसी है, कोई दूसरा इन्वेस्टर है, जिसके पास में कंपनी के अंदर जाकर कंपनी के अकाउंट्स को चेक करने की परमिशन नहीं है, लेकिन कंपनी जो चीज पब्लिश कर देती है उसके आधार पर उस बात को वो सच मान लेता है, उस बात पर वो फिर एनालिसिस करता है, इसे हम एक्सटर्नल एनालिसिस बोलते हैं। क्योंकि वो जो मेटेरियल है, वो जो अकाउंट्स है, जो कंपनी के वाउचर्स हैं, जो कंपनी के बिल्स हैं, जो कंपनी के अंदर सामान आया है, उसको वो बाहर के लोग खुद हाथ से चेक नहीं कर पा रहे हैं, वो एक्सटर्नल लोग हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अंदर के आदमी होते हैं, जो कंपनी के अंदर खुद काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड कोई और बंदा हो सकता है, कोर्ट के थ्रू अपॉइंटेड, जिनके पास में कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस है, उसे हम इंटरनल एनालिसिस बोलते हैं। एक बार मुझे ये बताएं, ये बात समझ में आई क्या? सबसे पहले यहां तक की बात समझ में आनी चाहिए आप।
आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस है उसको दो प्रकार से किया जा सकता है, एक तो मटेरियल के बेसिस पे, एक मॉडस एपेंडिंग, ये मैं समझाऊंगा बाद में। मटेरियल का बेसिस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कंपनी का सिर्फ रॉ मटेरियल देखना है, ना जी ना, सब कुछ कंपनी का सब कुछ उसका मटेरियल है, सब कुछ उसका मटेरियल है, इवन अकाउंट्स भी उसका मटेरियल है। इसमें एक एक्सटर्नल एनालिसिस होता है, जिनके पास में कंपनी के अकाउंट्स का एक्सेस नहीं है उसे एक्सटर्नल बोल देते हैं, जिनके पास में कंपनी के अकाउंट्स का एक्सेस है उसे इंटरनल बोल देते हैं। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। अगर यहां तक जो पढ़ा है उसमें किसी भी तरीके का डाउट है, बिंदास पूछिए, मैं दोबारा समझा। क्लियर है, मैसेज आ रहा है, क्लियर है, बढ़िया बात है, फिर आगे चलो। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं यहाँ पे, मॉडस एपरेंडी वाला समझा रहा हूं मैं। अब बहुत ध्यान से सुने आप लोग, एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है एबीसी कंपनी, और वो कंपनी साहब कपड़े बनाने का काम करती है, ठीक है जी। वो कंपनी आज 1985 से बनी हुई है, 2021 चल रहा है आज। बहुत ध्यान से सुनते रहे आप लोग, दो सिचुएशन लेकर चल रहा हूं मैं। पहली सिचुएशन, पहली सिचुएशन, पहली सिचुएशन ये है कि वो कंपनी सिर्फ अपना, सिर्फ अपना एनालिसिस कर रही है। पहला पॉइंट याद रखने लायक, पहला पॉइंट, सिर्फ अपना एनालिसिस कर रही है, सिर्फ और सिर्फ खुद का एनालिसिस कर रही है। पहली बात, कैसे कर रही है सर? अरे 2021 चल रहा है ना यार, 2015 से देख रही है, या कोई सा भी ईयर ले लो जो आपको बढ़िया लगता हो, तब से देख रही है कितना उसने अच्छा किया, कितना उसने बेकार किया, कहां पहले अच्छा करती थी आज बेकार हो गई है, तो कहीं ना कहीं गलती। खुद का एनालिसिस, अकेला खुद का एनालिसिस कर रही है। आप अपना हाथ सीधा लेकर जाओ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब है ऐसे ही, तो हाथ को ऐसे कर दिया आपने, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल होता है। मैं हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूं इस वक्त, वर्टिकल की बात नहीं कर। आज आप 2021 में खड़े हो, अपना हाथ सीधा ले जाओ, यहां तक खोला 2020 तक पहुंचे, और खोल दिया हाथ 19 तक पहुंचे, और खोल दो 18, ऐसे आगे चले। अगर कोई भी कंपनी सिर्फ अपना एनालिसिस करती है अपने ऑपरेशंस का, कि वो किस तरीके से काम करती थी, कितना प्रॉफिट प्रॉफिट कमाती थी, खुद का एनालिसिस, ओनली सेल्फ, दैट इज हॉरिजॉन्टल मॉडस ऑपरेंडी एनालिसिस। अब दूसरी सिचुएशन देखो, एबीसी आज 2021 है, वो कंपनी एनालिसिस कर रही है 2021 का, सिर्फ 2021 का कर रही है, लेकिन उस फील्ड में, अब उस कंपनी की फील्ड क्या है, कपड़े बनाना, कपड़े बनाने की फील्ड में जितनी कंपनियां काम कर रही है उन सबसे कंपैरिजन कर रही है, कंपैरिजन कर रही है विद ऑल अदर कंपनीज ऑफ सेम फील्ड। वो कंपनीज जो इसी फील्ड में काम कर रही हैं, कपड़े बनाने की फील्ड में, एक ही साल का कर रही है, एक ही साल का, एक ही ईयर का कर रही है, सिर्फ अपना नहीं कर रही है, बहुत सारों का कर रही है, कंपैरिजन कर रही है। 2021 को ऐसे खड़ा कर दिया उसने, अब देख रही है एक्स वाई जेड ने इतना कमाया, फलाने ने इतना कमाया, फलाने ने इतना कमाया, मैंने इतना कमाया, मुझे और सुधार लाना चाहिए। तो अब ध्यान से सुनो, अगर कंपनी पिछले कुछ सालों का एनालिसिस कर रही है लेकिन सेल्फ कर रही है, दैट इज हॉरिजॉन्टल। अगर कंपनी एक ही साल का कर रही है लेकिन अपनी फील्ड के और लोगों से कंपेयर कर रही है, दैट इज वर्टिकल। मुझे बताओ यहां तक की कहानी समझ में आई कि नहीं आई? जो मैंने अब पहले ये बताओ, यहां तक की समझ में आई कि नहीं आई, पहले चैट पर ये बताएंगे। अगर नहीं आई ना, बिंदास खोल के बोल सकते हो आप कि सर नहीं आई मेरे को, दोबारा समझा दो। मॉडस ऑपरेंडी का आप बोलोगे सर मीनिंग क्या होता है? अगर मैं मॉडस ऑपरेंडी का यहाँ पर मीनिंग समझाने बैठूं तो बहुत लंबा चौड़ा मीनिंग हो जाएगा।
अभी के लिए इतना समझ लो, उसके ऑपरेशंस को चेक किया जा रहा है, उसकी एक्टिविटीज को, उसके प्रॉफिट्स को चेक किया जा रहा है। पहले मटेरियल के बेसिस पर देख रहे थे कंपनी के अंदर जाकर कि एक्चुअली में कंपनी का क्या ट्रेंड है। यहां पर कंपनी का जो आउटकम इतने सालों से निकल के आ रहा है उसको चेक कर रहे हैं। आपको ये ध्यान, अगर सेल्फ का कर रही है बहुत सालों का तो वो हॉरिजॉन्टल है, अगर अकेले का कर रही है तो वो वर्टिकल है। अब बहुत ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से, ये जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है इसको डायनामिक एनालिसिस भी बोलते हैं। याद रख लेना इस बात को, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इस पर आएगा, 99% चांसेस ये होते हैं। ये सब जो मैंने गाथा सुनाई है इसमें से मुश्किल है कुछ क्वेश्चन आए। जो आएगा वो ये आएगा कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को किस नाम से जाना जाता है, या फिर वो लिखेंगे नहीं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, डायरेक्टली लिखेंगे डायनामिक एनालिसिस किस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है। और उसमें नीचे आपको चार ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक ऑप्शन दिया होगा कि कंपनी सेल्फ का एनालिसिस कर रही है पिछले कुछ सालों। आपको समझ जाना है ये हॉरिजॉन्टल है, इसी को डायनामिक बोलते हैं। लेकिन वर्टिकल जो एनालिसिस है उसको स्टैटिक एनालिसिस बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, बाकी इसके अंदर जो भी ज्ञान है वो वही है जो मैंने आपको अभी तक समझाया। मुझे बताएं यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां तक अगर कोई भी डाउट है तो एक बार बताएं, सभी बच्चे चैट पर मेरे को कंफर्म करते हैं यहां तक का क्लियर है कि नहीं है। अगर डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं उससे, क्लियर है, ठीक है। चलिए ठीक, अब चलते हैं अपन आगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात आ जाती है आपकी टेक्निक या टूल्स क्या होते हैं। देखिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, इसमें यही लगा रखा है ना, ये जो लिखा हुआ है वो क्या है। और एक चीज अब और बता दूं मैं सभी स्टूडेंट्स को, इस टॉपिक से पहले पहले मतलब इस टॉपिक तक हमने जो भी पढ़ा, आप ये लगा लीजिए आपके एग्जाम के हिसाब से हमने 2 नंबर का या मैक्सिमम खींच के 3 नंबर का पढ़ा है। 99% चांसेस हैं अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें ऑब्जेक्टिव ही आए। तो कल से लेके आज तक हमने इस टॉपिक तक जितना पढ़ लिया है वो आपका 2 से 3 नंबर का पढ़ा है, मोस्टली ऑब्जेक्टिव आता है। ये जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहां से आप समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है, और अगली जो 2-3 क्लासेस आपकी रहेंगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। उनमें से 100% चांसेस है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जरूर आएगा, हर बार आता है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या होता है, हमने पढ़ा कौन कौन उसको कर सकता है, हमने पढ़ा कितने तरीके से उसको किया जा सकता है, ठीक है। उसमें हमने मटेरियल मॉडल्स ऑपरेंडी देख ली। अब हम देख रहे हैं टूल्स क्या क्या होते हैं, यहां से आपका मेन मुद्दा शुरू हो जाता है। अब ये जो 3 पॉइंट है वो सिर्फ इतनी सी बात बोल रहे हैं कि जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस है उनके लिए जो टूल्स, जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं उनको आप अकाउंटिंग टेक्निक्स भी बोल सकते हो, फाइनेंशियल टेक्निक्स भी बोल सकते हो, एक ही बात है। और वो कोई सी भी टेक्निक हो सकती है, वो रेशियो एनालिसिस भी हो सकता है, वैल्यू एडेड एनालिसिस, बहुत सारे मेथड्स हैं। किसी भी मेथड को यूज करके आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस को कर सकते हो, किसी भी मेथड को यूज करके। हमें इन बहुत सारे अवेलेबल मेथड्स में से कुछ मेथड्स डिस्कस करने। तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना, हम टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं जिन टेक्निक्स के थ्रू हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं, जिन मेथड्स के थ्रू, जिन फॉर्मूलाज के थ्रू हम इनका करते हैं। अब बहुत सारे हमारे पास में मेथड्स, बहुत सारे फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं, उनमें से किसी को भी यूज करके हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत सारों में से कुछ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और जो हम डिस्कस करेंगे वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, उनके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। पहला जो है वो है रेशियो एनालिसिस। इसके अंदर मैं कुछ भी समझाने से पहले डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना, या फिर एक बार इसकी थ्योरी पढ़ो आप लोग। इसमें मुझे नहीं लगता रेशियो एनालिसिस इसके अंदर मुझे कुछ समझाना चाहिए,
फाइनल में आ चुके हो, इतना कुछ पढ़ चुके हो आप लोग। देखो जब भी किसी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन या उसके परफॉर्मेंस को चेक करना होता है तो आप रेशियो की मदद ले सकते हो या इंडेक्स की मदद ले सकते हो। सर कैसे? कैसे का मतलब आप ये बोल सकते हो ना कि कंपनी जो है वो इतनी परसेंट रेवेन्यू जनरेट कर रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे ना एक जानकार है, मेरे एक मिलने वाले हैं, वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सिक्योर्ड है, पैसा खूब है उनके पास। तो कभी जब भी हम बैठे होते हैं तो मेरे मुंह से निकल जाती है कि यार आपका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, बहुत बढ़िया बात है और काफी कमा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। वो बोलते हैं यार देख मेरी जो इस इंडस्ट्री, वो कार्ड बनाते हैं जो शादी के कार्ड और वैसे कार्ड्स होते हैं ना, उनको एक्सपोर्ट करते हैं। वो बोलते हैं यार देख मोहित, मेरी इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में, कार्ड बनाने की इंडस्ट्री का टोटल 1,000 करोड़ का व्यापार है, पूरी इंडस्ट्री का एक साल का 1,000 करोड़ का व्यापार। मैं सिर्फ 20 करोड़ रुपए का व्यापार करता हूं एक साल में, परसेंटेज में मैं क्या ही कमा रहा हूं, कुछ ही नहीं कमा रहा यार, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू टोटल। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या फिर आप फ्रैक्शन में भी कर सकते हो कि यार मैं इसका सिर्फ 1/4 कमा रहा हूं यार, और कुछ नहीं कमा रहा हूं, ऐसे भी कर सकते हो। या बहुत बार नंबर्स में भी कर सकते हो कि यार इसका रेशियो देख ले, अपन बताते ना इतना रेशियो इतना, तो ये भी एक आपके पास में ऑप्शन है, ये भी एक टेक्निक है। और जनरली आप देखो तो हम ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही वाला मेथड यूज करते हैं, जिसमें हम बोलते हैं यार इतना परसेंटेज ही तो कमाया है मैंने, या फिर इतना फ्रैक्शन ही तो कमाया है, या फिर ये अभी रेशियो चल रहा है यार मेरा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझिए, कोई स्टूडेंट अभी पढ़ रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं उसको, और इंस्टीट्यूट की तरफ से वो मेरे पास में आया पढ़ने के लिए। मान लो उस बच्चे ने 1,000 रुपया दिया, एग्जाम्पल के तौर पे समझे, 1,000 रुपया उसने दिया, तो मैं यही तो बोलूंगा सर से कि सर 80/20 का रेशियो रख लो सर, या 80% 20% का रेशियो रख लो सर, 800 रुपये मैं ले जाऊंगा एक बच्चों का, 200 रुपये आप ले लेना, मेहनत मेरी है सर, बताओ राजी हो तो करें काम, बनना बैठा हुआ। तो रेशियो में ही तो ज्यादातर एनालिसिस होता है ना, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। अब देखो रेशियो के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, वो आप लोगों ने पहले कभी पढ़ लिए होंगे अकाउंट्स में, या वो यहाँ पर आपका काम नहीं है पढ़ना। बस मैं आपको ये चीज बताने वाला हूँ कि जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एनालिसिस किया जाता है उसके लिए बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जिसमें से एक रेशियो भी होती है, जिसको हम कभी कभी इंडेक्स भी बोल देते हैं, जिसमें हम पर्टिकुलर परसेंटेज या फ्रैक्शन या नॉर्मली प्रोपोर्शन के अंदर उसको काउंट करके बताते हैं। और हम इसमें बजट भी लेकर चलते हैं। आपने आपका ईयर स्टार्ट हुआ तो आप बोल देते हो ना अब की बार तो यार मैं टोटल इंडस्ट्री का कम से कम 10% तो कमा के मानूं, अगर इंडस्ट्री 100 करोड़ कमाती है मैं 10 करोड़ तो इस साल उस इंडस्ट्री से कमा कर लाऊंगा, 10% तो मैं एटलीस्ट आऊंगा, इतना तो मैं लेकर आऊंगा। मुझे बताएं यहां तक कि ये बात समझ में आई? अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में, और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा मैं एक और चीज बता दूं कैसे आए, मैं हालांकि सॉल्व करवाऊंगा, क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा आपके पास में 4 नंबर का, डायरेक्टली 4 मार्क्स का आएगा, रेशियो एनालिसिस को एक्सप्लेन करो, ये क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, और आ चुका है काफी बार, 3 से 4 बार ये एग्जाम में आ चुका है। आपको डायरेक्टली लिखना होगा कि कोई भी कंपनी का जब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस किया जाता है तो बहुत सारे टूल्स होते हैं, जिसमें से एक रेशियो एनालिसिस होता है। इसके अंदर हम ज्यादातर देखा, ज्यादातर ये रेशियो एनालिसिस ही यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, इसमें रेशियो या इंडेक्स के तौर पे चेक किया जाता है, उसमें रिलेशनशिप दिखाई जाती है, इसको परसेंटेज पर, वॉइस ब्रेक हो रही है, मेरी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है क्या बच्चों? एक मैसेज आया मेरे पास में कि सर अब नहीं, तो आपका बेटा आपका क्या नाम है नेट में इशू होगा, क्योंकि बाकी बच्चे बोल रहे हैं कि सर नहीं है, हो सकता है शायद आपके उस वक्त नेट में कुछ आ गया। तो ये रेशियो है ना, मुझे बताएं सभी बच्चे चैट पर एक बार यहां तक की कहानी समझ में आई कि नहीं आई। तो हम लोगों ने अभी तक जितनी हमारी 3 क्लासेस हुई हैं उसमें जितना पढ़ा है वो क्लियर है आप लोगों को कि नहीं है, एक बार ये बता दो जल्दी से, क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, आज आप लोग पढ़ लें इसको यहां तक,
नोट्स में भेज चुका हूँ। अब जो मैं नोट्स आपको भेजूंगा, मोस्ट प्रोबेबली कल भेजूंगा शायद मैं आपको, तो मैं इसका पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर दूंगा। बैकग्राउंड में नॉर्मली कुछ और रख दूंगा, है ना, लाइट बैकग्राउंड रख दूंगा, जिससे कि आप जब प्रिंट करवाओगे तो आपको क्लियर आ जाएगी ये चीज। ठीक है जी, आज की क्लास हम यहीं पे। देखिए, हम लोग आपके SPM स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का स्टडी नोट 1 पढ़ रहे थे। उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब है कि ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है। इसके अंदर पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि आखिर जो एम्प्लॉय, जो वर्कर, लेबर है, वो किस चीज में स्ट्रांग है। उसे काम दिया जाता है, काम को मेजर किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, और जो भी गलतियां हैं उनको सुधारा जाता है, मतलब उसका डेवलपमेंट किया जाता है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जो एम्प्लॉय है उसके जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको लिंक कर दिया जाता है कंपनी के गोल्स से। बाद में मैंने आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब बताया था। ये ईयर एंड में और मिड में होता है, साल में सिर्फ 2 बार होता है, और कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर बताए थे। देखिए, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं आपके, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, आपको दिखाई देगा साफ साफ, जून 2019 में ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। जून 2019 के हैं ये दोनों के दोनों क्वेश्चन, और दोनों क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के हैं, 10-10 नंबर के हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या ये सिनोनिम है या डिफरेंट है? आपको इनके डिफरेंस बताने हैं। तो पहले आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को समझा दें, परफॉर्मेंस अप्रेजल को समझा दें, उसके बाद में दोनों के डिफरेंस समझा दें। ये हमने अपने नोट्स में दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन आया था, इसी अटेम्प्ट के अंदर ही आया था, कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है उसके कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करो। ठीक है ना, तो ये रहे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स। यहाँ पर हमने पढ़े हुए थे परफॉर्मेंस प्लानिंग, अप्रेजल, देन उसके बाद में उनको करेक्ट फीडबैक देना, अच्छा उनको रिवॉर्ड प्रोवाइड करना, उनका इम्प्रूवमेंट करना। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है। इसके बाद में फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने जो पढ़ा था आपका, वो नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। प्रोडक्टिविटी के अंदर मैंने आपको बताया था कि कोई क्वांटिफिएबल लिमिट नहीं होती है, बस इतना होता है जितना आप इनपुट लगा रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम उतना तो इन आउटपुट आपको इक्वली उतना आउटपुट आ जाए या उससे ज्यादा आउटपुट आ जाए। क्लियर है ये चीज यहाँ तक? इसके बाद में नेक्स्ट हम लोगों ने एक एफिशिएंसी भी देखा था, और एफिशिएंसी में मैंने बताया था इसके अंदर मैक्सिमम आउटपुट निकाला जाता है। ये दो टाइप की होती है, एक टेक्निकल और एक होती है एलोकेटिव। मैंने डिफरेंस बताया था, अगर आपके पास में इनपुट्स अवेलेबल हैं फिर भी आप इन एफिशियंट हो, दैट इज टेक्निकल इन एफिशियंसी, बट अगर इनपुट अवेलेबल नहीं है तो वो होता है एलोकेटिव इन एफिशियंसी। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं, यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। देन इसके बाद में हमने ये भी पढ़ा था कि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए हमारे पास में कुछ अप्रोचेज होती हैं, कुछ स्टेप्स होती हैं। मैंने आपको बताया था कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो बहुत छोटे लेवल पर काम करती हैं, तो उनके लिए सिर्फ एक इनपुट में चेंज कर दो तो भी आप मेजरमेंट कर सकते हो, और उसको हम पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जहां पर आपको एक से ज्यादा इनपुट में चेंज करना पड़ता है, उसको हम टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो मैंने आप लोगों को करवा दिए थे। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या होता है। इसका मतलब है कंपनी का एनालिसिस करना, कंपनी के, ठीक है ना, इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस का मतलब क्या हो गया कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है फाइनेंस से रिलेटेड, उसके बारे में चेक करना, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सभी चीजों को। तो हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इसको मेजर करने के लिए देख लिया था। फिर इसके बाद में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस जो है वो मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया था। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस का मतलब होता है कंपनी जो है उसके बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन सबको चेक करना, जिससे पता लग जाए कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है।
कुछ हमने क्वेश्चंस देखे थे, उनमें से कुछ क्वेश्चंस वो थे जो आपके एग्जाम के अंदर आए हुए। देन इसके बाद में हमने नेक्स्ट टॉपिक, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी ये समझाया था कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस जो है उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कंपनी की बैलेंस शीट को चेक करना, बल्कि उसके अंदर प्रॉफिट भी चेक होता है, वर्किंग कैपिटल भी चेंज होती है, सब कुछ पैसे से रिलेटेड सब चेंज चेक कर लो। कौन करता है? कोई भी इंसान कर सकता है, हर किसी का अपना अपना एम है, पर्पज है, हर कोई अपने लिए कर सकता है। नेक्स्ट हम लोगों ने इसकी कुछ टाइप्स देखे थे। टाइप्स में मैंने आपको बताया था दो होते हैं, एक होता है मटेरियल बेसिस पे एक्सटर्नल इंटरनल। अगर बाहर का इंसान जो कि सिर्फ कंपनी के पब्लिशमेंट के ऊपर एनालिसिस कर रहा है, उसके पास में एक्सेस नहीं है कि वो कंपनी के रिकॉर्ड्स को चेक कर सके, दैट इज एक्सटर्नल एनालिसिस। इंटरनल का मतलब होता है कि वो इंटरनल है, कंपनी के अंदर जा रहा है, हो सकता है कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है, गवर्नमेंट ने भेजा है, हो सकता है कोर्ट ने भेजा है। मॉडस एप्रेंडी का मतलब मैंने आपको बताया था कि मोड ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे इसको देखा जाता है, मोड ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे इसको हम कंसीडर करते हैं। हॉरिजॉन्टल में मैंने आपको बताया था कि एक कंपनी जो है वो अपना ही बहुत सारे सालों का कैलकुलेट एनालिसिस कर रही है। वर्टिकल में मैंने बताया था एक कंपनी सिर्फ एक साल का उस फील्ड के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं उनका एनालिसिस कर रही है। इसके बाद में हम लोगों ने टेक्निक्स देखना स्टार्ट किया था कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आखिर ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस किया जा सकता है। हम इसको अकाउंटिंग टेक्निक भी बोलते हैं, दूसरी भाषा में हम इसको फाइनेंशियल टेक्निक भी बोलते हैं। मैंने एक आपको समझा दिया था रेशियो एनालिसिस, इसके अंदर परसेंटेज या फ्रैक्शन के बेसिस पे हम देखते हैं। चैट बॉक्स पर जल्दी से बताएं, अभी तक हम लोगों ने जितना आपका ये पढ़ लिया है उतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? अभी तक का हमने जितना पढ़ा है पिछले 3-4 क्लासेस में, उसमें डाउट है तो आप डिस्कस करें, वरना मैं आगे चलूं। क्लियर है? ओके। अब देखें हम लोग अभी कौन से टॉपिक पर पढ़ रहे हैं, हम लोग यही टॉपिक पढ़ रहे हैं, टेक्निक्स पढ़ रहे हैं कि वो कौन कौन से टूल्स हैं, वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस किया जाता है। उनमें से हमने एक तो पढ़ लिया रेशियो। अब हम दूसरे पर आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉमन साइज फाइनेंशियल एनालिसिस। ये भी टेक्निक है। अब इस वाली दूसरी वाली टेक्निक को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। पहले उस एग्जांपल को समझ लो, ये टेक्निक आपको समझ में आ जाएगी बड़े आराम से। एक मिनट देखिए, एक बार की बात है, मैं अपने घर की छत पे बैठा हुआ था, कैटरीना कैफ आई मेरे पास में, बोली मैंने सुना है कि एक टेक्निक होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने की, बहुत सारी जो टेक्निक्स होती हैं उनमें से एक टेक्निक होती है, उसको कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बोलते हैं। मैंने बोला हाँ होती है, सही बोल रही हो, ऐसी एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जाता है। बोले नाम बड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है यार इसका, ये हार्ड होती है क्या? बहुत ज्यादा सुनने में बड़ी हार्ड सी लगती है, क्या है ये? मैंने कहा कुछ हार्ड नहीं होता, बहुत इजी होती है ये टेक्निक। इस टेक्निक के अंदर एक कंपनी एक साल का उस फील्ड में, जैसे आज एग्जांपल के तौर पे लगाइए, एक कंपनी है आपकी एबीसी, और वो एबीसी कंपनी क्या करती है, वो एबीसी कंपनी मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है। तो वो कंपनी एक साल का मतलब 2020-21 का, इस वाले फाइनेंशियल ईयर का, इस फील्ड में मोबाइल बनाने की फील्ड में जो जो कंपनियां काम कर रही हैं उनका कंपैरिजन कर सकती है। इसका दिमाग खनक गया, बोली ये जो तुम बोल रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, की एक कंपनी एक साल का एन कंपैरिजन चेक कर सकती है, एनालिसिस कर सकती है उस फील्ड के अंदर जितनी कंपनियां काम कर रही हैं उन सब का, ये बात तो मैंने वर्टिकल एनालिसिस के अंदर पढ़ी थी, जो बात अभी तुमने मुझे बताई है। मैंने उसको बोला सही बोल रही हो, इसीलिए इस कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को वर्टिकल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इसीलिए इस कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को वर्टिकल स्टेटमेंट भी बोला जाता है। बोली ठीक है, मैं समझ गई तुम्हारी बात को, मैं ये समझ गई हूँ अभी तक, ये बोली मैं समझ गई हूँ कि ये जो कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसके अंदर एक कंपनी एक पर्टिकुलर ईयर में उस सेम फील्ड के अंदर जिस फील्ड में वो कंपनी काम कर रही है उस फील्ड में जो बाकी कंपनियां काम कर रही है उनका कंपेरिजन कर सकती है, इसीलिए इसको वर्टिकल स्टेटमेंट बोलते हैं, समझ गई मैं। फिर खुद ही बोली
बोला लेकिन मैंने एक बात और सुनी हुई है, ये जो कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है जिसको तुमने बताया कि वर्टिकल एनालिसिस या वर्टिकल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, मैंने सुना है कि इसको कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट भी बोलते हैं, क्या ये बात सच है? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, इसको आप कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हो, इसको आप वर्टिकल स्टेटमेंट भी बोलते हो, आप इसको कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट भी बोलते हो, आप तीनों में से इसको कुछ भी बोल सकते हो जो आपको बढ़िया लग रहा है। लड़की बोली, बोले यार मेरे को एक बात बताओ, आपने बोला कि इसको वर्टिकल स्टेटमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक साल का उस फील्ड की बाकी कंपनीज का कंपैरिजन कर दे, इसलिए इसको वर्टिकल स्टेटमेंट बोलते हो, ये बात तो मेरे पल्ले पड़ती है, पर इसको कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट क्यों बोलते हो, ये क्यों बोल रहे हो, वर्टिकल बोल रहे हो, वो उसका मेरे को लॉजिक समझ में आ रहा है, इसका क्या लॉजिक है? मैंने कहा लॉजिक बड़ा इजी है, ध्यान से सुनो, ये जो कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, इसके अंदर जब भी कोई कंपनी अपना फाइनेंशियल एनालिसिस करती है तो वो हमेशा परसेंटेज में एनालिसिस करती है। बोला परसेंटेज में एनालिसिस करती है, इसका मतलब क्या है? मैंने इसका मतलब है, देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देखो कि सेल्स कंपनी ये चेक करना चाहती है कि सेल्स क्या निकली उसकी। अब ये सेल्स किसका पार्ट है? ये सेल्स असेट का पार्ट है क्योंकि बेच के पैसा आता है कंपनी के पास। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी टोटल असेट को 100% मान लेती है और फिर उसने जितना सेल्स किया उस साल में उसका परसेंटेज निकाल लेती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी ने 40 करोड़ का सेल किया तो 40% की सेल कैलकुलेट कर लेगी। सेम उसी तरीके से लाइबिलिटीज में भी किया जाता है, रेवेन्यू में भी किया जाता है। बोला एग्जाम्पल से समझाओ इसको, दिखा सकते हो? मैंने कहा दिखाओ। देखो सपोज करो रेवेन्यू जो है वो कंपनी ने 100% मान लिया, अब कहां कहां से पैसा कमा रही है उनको वो परसेंटेज में नंबरिंग कर देती है। जैसे बैलेंस शीट में देखो असेट जो है वो है 39,985, उतनी ही लाइबिलिटीज है, 100% मान लिया इनको। अब असेट की जो बाकी की चीजें हैं उनको उस 100% में से बांट दिया जाता है लाइबिलिटीज में। इसीलिए तो इसको हम नाम से पढ़ो ना यार, क्या नाम दे रखा है इसको, तुमने बोला वर्टिकल स्टेटमेंट बोलते हैं, उसके साथ में इसको कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट बोलते हैं, परसेंटेज, क्योंकि इस कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर हर चीज को परसेंटेज में चेक किया जाता है। जो मेन चीज होती है ना उसको 100% दे दिया जाता है, जो हमें निकालनी है उसको हम उसका परसेंटेज निकालते। बोला फॉर्मूला समझाओ इस बात का मुझको। मैंने कहा फॉर्मूला क्या समझना है इसमें, आइटम ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय रेफरेंस आइटम। बोला मतलब, मैंने कहा तुम्हें सेल निकालनी है ना, तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है? बोला मेरा इंटरेस्ट सेल में, मुझे सेल की जानकारी लेनी है। मैंने कहा तुम्हारा आइटम ऑफ इंटरेस्ट हो गया सेल, इसे ऊपर रख दो। रेफरेंस किसका लोगे, सेल किसका पार्ट है? बोला टोटल असेट्स का, नीचे करो उसे टोटल असेट्स डिवाइड कर दो, तुम्हें परसेंटेज में निकल के आ जाएगा। तब जाकर इसको समझ में आया कि कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तब इसको ये बात समझ में आई कि कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी एक टेक्निक होती है जिसके अंदर आप एक साल का बहुत सारी कंपनीज का कंपैरिजन कर सकते हैं। इसको हम वर्टिकल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इसको हम कॉमन कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट भी बोलते हैं। एक बार मुझे सभी बच्चे बताएंगे अभी तक की मैंने जो इतनी आपको गाथा सुनाई है क्या ये समझ में आई आपको कि नहीं आई, जल्दी से बता। ये समझ में आ गया, इस जो दूसरी टेक्निक हमने पढ़ी है कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको वर्टिकल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इसको कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अगर कोई आपसे पूछे वर्टिकल का ही को बोलते हैं, बोल देना एक साल का बहुत सारी कंपनीज का जो सेम फील्ड में काम कर रही है उनका कच्चा चिट्ठा निकाल लो, और कंपोनेंट परसेंटेज इसलिए निकल रही है क्योंकि ये हर बात को परसेंटेज में बोलता है, इसको दूसरी भाषा आती नहीं है। फॉर्मूला जो है वो बड़ा सिंपल सा ये लिखा हुआ है। इसी की सब बातें समझ में आ गई लेकिन अभी भी कुछ डाउट रह गए इसके मन में। बोली मेरे मन में कुछ डाउट है। मैंने कहा पूछो। बोली ये जो कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस तुमने समझाया, इसका कोई बेनिफिट है क्या? मैंने कहा बेनिफिट ही बेनिफिट है यार। बोला बेनिफिट क्या है? मैंने कहा तुम अगर कोई कंपनी है वो चाहे तो सिर्फ अपना
एनालिसिस कर ले, और वो चाहे तो कंपैरिजन कर ले बाकी की कंपनीज के साथ में, बेनिफिट नहीं है क्या ये? बोली हाँ यार बेनिफिट तो है। मैंने कहा बस तो लिख लो, याद रखना एग्जाम में अगर आ जाए कि भैया कॉमन साइज फाइनेंशियल एनालिसिस का कोई बेनिफिट होता है, होता है यार, अपना निकालने के साथ साथ में बाकी कंपनियों का भी निकाल। लड़की होशियार है, बोली बोला बेनिफिट होता है ये बात समझ में आ गई, नुकसान भी होता है क्या? बोला मैंने सुना है, ये खुद ही बोली, बोला मैंने सुना है कि सोचो एक बार के लिए सोचो। अच्छा उससे पहले एक और चीज, जब मैंने इसको ये बोला कि मैंने कहा बेनिफिट होता है, अगर आप चाहो तो अपना सेल्फ का भी निकाल सकते हो, खुद कंपनी अपने बारे में निकाल ले, और चाहे तो कंपैरिजन कर ले। लड़की बोली, बोला ये कंपैरिजन करने वाला जो है उसको लीगल भाषा में क्या बोलते हैं? उसको लीगल भाषा में नाम दिया गया है क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, हिंदी का मतलब कंपैरिजन बिटवीन कंपनीज। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस क्या है, बोल देना इसका पार्ट है, इसके अंदर कंपनी के पास में ये बेनिफिट, ये एडवांटेज होती है कि वो बाकी कंपनीज के साथ में कंपैरिजन कर सकती है। बोली बात समझ में आ गई, फिर खुद ही बोली, बोले सोचो एक बार के लिए सोचो, तुमने बोला कि ये कंपनी अदर कंपनीज के साथ में कंपैरिजन कर सकती है, लेकिन यार ये कंपनी का फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है अप्रैल से मार्च, लेकिन ये जो कंपनी है कोई एक्स वाई जेड नाम की कंपनी है, ये उल्टी है, ये अपना अप्रैल टू मार्च नहीं लेके चलती, ये तो जनवरी से दिसंबर कैलेंडर ईयर वाला लेकर चलती है। फिर मैंने कहा फिर नहीं होगा कंपैरिजन, ये लिमिटेशन। अगर बेनिफिट है तो भैया कुछ नुकसान भी है, नुकसान में ये है कि अगर कोई कंपनी अपना फाइनेंशियल ईयर ही दूसरा लेकर चल रही है तो फिर हम उसका क्या करें, फिर कैसे कंपैरिजन कर लोगे, नहीं कर पाओगे। बोली गोली मारो, तुम तो ये बताओ ये जो कंपनी है एबीसी, ये बाकी की कंपनीज जो है उनसे करना चाहती है कंपैरिजन, लेकिन पता चला कि ये कंपनी कुछ दूसरी अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज करती है, ये कंपनी दूसरी अकाउंटिंग पॉलिसी, हाँ गोली मारो इसमें नहीं होगा कंपैरिजन, ये भी लिमिटेशन है। तो ये इसके कुछ लिमिटेशन है, इसका फायदा ये। चैट बॉक्स पर मुझे ये बताएं क्या ये समझ में आ गया कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है, इसको वर्टिकल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इसको कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इसके कुछ फायदे होते हैं जिन्हें क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस बोलते हैं, और कुछ नुकसान भी होते हैं। अगर डाउट है यहां तक तो डिस्कस कर सकते हैं आप लोग, मैसेज आ रहा है समझ में आ गया, बढ़िया आगे चलते हैं। तो अभी तक देखिए हम लोगों ने दो टेक्निक पढ़ ली, एक टेक्निक हमने रेशियो एनालिसिस की जो लास्ट क्लास में पढ़ ली थी, एक टेक्निक जो मैंने आपको अभी बता दी कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली। तीसरे पे आ जाते हैं ट्रेंड पे। बच्चे बोलते हैं सर ये तो हमको पता ही है ट्रेंड, इसके बारे में क्या बताओ? मैंने कहा कैसे पता है समझाओ। बोला सर समझाना क्या है यार, इसमें कंपनी ट्रेंड देखती है सर, अपना कंपनी अपना एक ट्रेंड देखती है कि वो किस ट्रेंड से बढ़ रही है या किस ट्रेंड से गिर रही है। का कैसे देखा जाता है? बोला सर इसमें एक जो ईयर है ना उसको बेस ईयर ले लेते हैं हम, कोई सा भी ईयर जिससे हमें कंपैरिजन करना है। मैंने कहा तुम समझो यार मेरी कंपनी है मोहित बंसल करके, और मैं 2015 से और आज चेक करना चाहता हूं मेरा क्या मामला है। बोला सर देखो बेस ईयर आपका 2015 है, अब आपको जिसका निकालना है ना उसको इसके हिसाब से निकालते रहो, देख लो 2016 में कितना ग्रो करी, 2017 में कितना ग्रो करी, 2018 में कितना करी। सर मान लो अगर सब में आ रहा है 2-2%, आपका सर ट्रेंड जो है वो 2% के प्रॉफिट पे चल रहा है। मैंने कहा समझ गया, इसमें कोई दिमाग वाली बात नहीं है, ये आता है। ट्रेंड एनालिसिस जो है उसके अंदर क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर बेस ईयर कर लिया जाता है और फिर उसके हिसाब से बाकी चीजें निकाली जाती है, इनटू 100 कर देना, इतना तो पता ही होगा फाइनल में। मुझे बताएं ये समझ में आया ट्रेंड एनालिसिस? तीन टेक्निक पढ़ ली हम लोगों ने, एक तो पढ़ लिया रेशियो एनालिसिस, परसेंटेज में ले लो फ्रैक्शन में ले लो, एक पढ़ लिया कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें भी परसेंटेज में ले रहे हो, इसके बाद में एक ट्रेंड एनालिसिस जिसमें बेस ईयर को कैलकुलेट, कोई सी भी टेक्निक यूज कर लो फाइनेंशियल एनालिसिस हो जाए। मेरे पास मैसेज आ गया कि सर समझ में आ गया, फिर भी अगर डाउट है आप बिंदास पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं दोबारा समझा। आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, मैं ज्यादा इसमें कुछ समझाऊंगा नहीं क्योंकि ज्यादा समझने लायक इसका इतना कोई वेटेज है नहीं, इससे रिलेटेड एग्जाम में आज तक क्वेश्चन भी नहीं आया है। अच्छा जो जो क्वेश्चन जिस जिस टॉपिक से रिलेटेड आए हुए हैं वो मैंने सब नोट्स में दे दिए हैं, तो हम धीरे धीरे चेक भी करते रहेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मेरे पास में एक क्वेश्चन आया है कि सर ये आपने ये जो तीन टेक्निक बताई हैं, सर इनमें से वो कौन सी टेक्निक है जो सबसे ज्यादा यूज करी जाती है? सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सेंस में अगर आप बात करोगे तो रेशियो रेशियो एनालिसिस को यूज किया जाता है। और अगर आप पर्टिकुलर ईयर्स में देख रहे हो, अब ईयर बाय ईयर अगर देखते हो ना, ईयर बाय ईयर, तो फिर रेशियो एनालिसिस चेक किया जाता है। लेकिन अगर आप लंबे टाइम के लिए एक ही बार में देख रहे हो, लॉन्ग टाइम के लिए, तो फिर ट्रेंड चेक कर लिया जाता है कि आखिर कंपनी का ट्रेंड। आपने कभी वो देखा होगा ना फ्लो चार्ट्स की, कंपनी का ट्रेंड कुछ ऐसे होता है फिर एकदम से ऐसे गया, तो ये ट्रेंड है, ये लॉन्ग टर्म के लिए दिखाता है। अगर ईयर बाय ईयर देख लियो तो रेशियो में चलता है। नेक्स्ट पर आते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ईजी है। देखो अगर इसकी स्टार्टिंग में क्रक्स समझ गए ना, तो फिर मुझे नहीं लगता मुझे ये सब जो मैंने इतना सारा कुछ लिखा हुआ है ये इवन आप तक को नहीं पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सी कहानी है, बहुत ध्यान से सुनो। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे, आप उसका जवाब दे दें मेरे को और खत्म हो जाएगा मामला। देखें मैं मोहित बंसल, मुझको ना यार एक मार्केट में प्रोडक्ट बेचना है यार, और वो प्रोडक्ट में क्या बेचना चाह रहा हूँ, वो प्रोडक्ट जो है मैं वो बेचूंगा ये इलेक्ट्रिक पेन आजकल आ गए हैं, ये बेचना है यार मेरे को। प्रोसेस समझा दोगे क्या यार, कैसे बेचूं बताओ ना, शुरू से अंत एंड करो इसका। सोचो आप और मैं दोनों मिलके धंधा करेंगे, बिजनेस करेंगे, इलेक्ट्रिक पेन बेचेंगे, मार्केट में स्कोप है इसका, कैसे करूं बताओ मुझे जल्दी जल्दी चैट पे बताओ भाई, मैनेजमेंट के लोग आप लोग, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए ये बताओ। चलो फर्स्ट स्टेप, मुझे क्या चाहिए ये बताओ, सबसे पहले जल्दी से बताओ। प्रोडक्ट बेचना है मेरे को, मैन्युफैक्चर करोगे? अभी मैन्युफैक्चर तो करेंगे पर वो फर्स्ट स्टेप थोड़ी ना हुई भाई। मैन्युफैक्चर तो करेंगे पर वो फर्स्ट स्टेप कहाँ हो गई, कच्चा माल तो लेकर आओ, रॉ मेटेरियल नहीं चाहिए? हाँ रॉ मेटेरियल, ये हुई ना पहला माल, पहली बात हुई रॉ में, कच्चा माल लेकर आओ, कच्चे माल की सप्लायर ढूंढो। अब कच्चे माल, अब रॉ मेटेरियल तो बहुत लोग दे रहे हैं मेरे को, रॉ मेटेरियल तो बहुत लोग दे रहे हैं मेरे को, मेरे को देखना है जो मेरे पड़ता पड़ता है ना, मेरे सस्ता पड़े वो, क्योंकि मुझे आगे भी तो फिर अपना ऐड करनी है कॉस्ट। तो पहला आपने बोला रॉ मेटेरियल ले लो। अच्छा डिजाइन विजाइन भी देखूं क्या यार, डिजाइन भी तो मैटर करता है ना। बहुत सारे पेन ऐसे होते हैं जो एक पेन जो है जिसका आपने साइज बहुत मोटा रख दिया, अब बंदा लिख रहा है तो उसको लिखने में अच्छे से फील ही नहीं आ रहा है, तो डिजाइन भी तो देखो ना, बीच में रबड़ हो बंदा पकड़े तो वो कहीं पर स्लिप ना मारे, ऐसा डिजाइन विजाइन भी देखो। चलो ठीक है वो कर लिया, अब मैन्युफैक्चर कर दूं। अच्छा लेबर लगा दूं, लेबर लगा दूं, मशीन लगा दूं, जगह वगैरह भी देख लूं, गवर्नमेंट से लाइसेंस वाइसेंस भी ले लूं, फिर एक काम कर, हाँ टेक्नोलॉजी इंप्रूव बिल्कुल वो, अब मैन्युफैक्चर मार देता हूँ, मैन्युफैक्चर कर दिया, अब कस्टमर के पास में भागूं, कैसे भागूं, कस्टमर कहाँ मिलते हैं, कस्टमर टीवी पे ऐड दो, रेडियो पे ऐड दो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बनाओ, बिल्कुल पता है ये सब आपने क्या बता दिया, ये सब हो गया हमारा टॉपिक, यही तो बता रहे हो आप, और क्या सप्लाई चेन मैनेजमेंट, चेन भाई चेन, देखो लिखा हुआ है, देखो साफ साफ क्या लिखा है, क्या क्या करोगे आप सप्लायर ढूंढोगे, आप बीच के लोग ढूंढोगे, है ना, आप फिर खुद मैन्युफैक्चर करने लग जाओगे, ट्रांसपोर्ट सब कुछ आप खुद कर, आपने एक मैनेजमेंट बना लिया ना, आपने एक चेन बना ली। जैसे मैं और एग्जांपल देता हूँ आपको, समझिएगा मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखो अभी तक क्या है, मेरा एक दोस्त है, मेरा एक फ्रेंड है, वो ना उसकी एक दुकान है, वो दुकान पे क्या करता है, फर्टिलाइजर बेचता है, खाद की दुकान है उसकी, खेतों में यूरिया डीएपी ये डलता है ना, वो मेरे से बोला, बोला यार मोहित यार मेरी ये दुकान है, इसमें क्या यार कंपनी का माल है, कंपनी मेरे को माल देती है, उसमें बीच में मैं थोड़ा सा अपना कुछ रिटेल का कमीशन बचा लेता हूँ और आगे मैं ग्राहक को बेच देता हूँ, मजा नहीं आ रहा यार। मैंने कहा अच्छा, बोला कंपनी तो हमसे एडवांस में पैसा ले लेती है, तो ग्राहक जो है वो बाद में दे रहा है, किसान आदमी बोलता है फसल कटने के बाद, तो मैं दुखी बहुत हूँ यार। मैंने बोला तू एक काम करना यार, गोली मार, किसान को यूरिया चाहिए डीएपी चाहिए,
और सब यूरिया डीएपी एक तरह के होते हैं, तो खुद का बना। तो सबसे पहले पता है हमने क्या किया, सबसे आज अब ये जो बिकते हैं ना, ये किस में बिकते हैं, पैकेट में बिकते हैं या फिर मोटे मोटे कट्टों में बिकते हैं, गांव की भाषा में इसको कट्टा बोला, बोरी बोला जाता है, ठीक है, पैकेट बोल दो आप इसको। हमने उसका डिजाइन बनवाया, एक हम गए मशीन फैक्ट्री वाले के पास कि भैया इतने कट्टे निकाल दे, शुरू में 1000 कट्टे निकाल दे बस। फिर हमने क्या किया, कच्चा माल लेकर आए, कहीं से हमको कच्चा माल लेकर, फिर हमने लेबर इकट्ठी कर ली। अब देखो चेन सिस्टम बनता जा रहा है, देखो चेन बनती जा रही है। एक बार अब हमने मटेरियल आया, लेबर ये आ गया, लेबर ने इसको भर दिया, लेबर ने इसको सिल दिया, स्टिचेस मार, मतलब पैक कर दिया इसको। पैक करने के बाद में मैंने क्या किया, मैंने एक लड़का अपॉइंट किया, मतलब उस मेरे दोस्त ने लड़का अपॉइंट किया। मैंने बोला सुन भाई, गांव की सब दुकानों पे भग जाए यहां से, और सबसे बोल और कट्टा ले जा, एक एक डिजाइन ले जा। बोला हम ये बेचते हैं, 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 100 में से कम 10 लोग हमको ऑर्डर देंगे। मुनाफा बढ़ गया साहब हमारा, मुनाफा बढ़ गया, इससे कॉस्ट कटिंग हो गई एक तो हमारी, एक हमारा खुद का चैनल बन गया, एक हमारी खुद में मार्केट वैल्यू बन गई, एक फ्यूचर का स्कोप बन गया, प्रॉफिट हमें ज्यादा मिलने लगा। ये है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सब कुछ बता दिया मैंने। अगर ये एग्जांपल समझ में आ गया तो पूरी कहानी समझ में आ गई आपको, पूरी कहानी। धीरे धीरे हमारे धंधे पानी बड़े हो जाएंगे, मतलब जब बंदे का दुकान बड़ी हो जाएगी, वो अभी तो क्या करता है, अभी तो कोई ट्रैक्टर जो है उसको किराए पर लेता है। जैसे मानो उसका गांव ए नाम का गांव में उसकी दुकान है, बी नाम के गांव वाले ने मंगाया सामान, तो किसी ट्रैक्टर पे या किसी ट्रॉली पे या किसी ट्रक में वो लोड करवाता है सामान को, वो किराए का है और फिर वो यहाँ जाता है। जब इसका थोड़ा बड़ा हो जाएगा बिजनेस, फिर ये खुद का ट्रांसपोर्ट खोल लेगा और कॉस्ट बचेगी। देखो कितनी सारी कॉस्ट बचती चली जा रही है, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का फायदा है। देखें तो देखिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब मैंने आपको बताया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो एक टिपिकल चेन होती है, जिसमें पहले रॉ मटेरियल मंगवाया जाता है, फिर उसके बाद में हम उसको अपने वेयर हाउस में रखते हैं, फिर उसके बाद में हम उसको पैक करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर हम उसे कस्टमर्स तक बेचते हैं। इससे फायदा ये होता है कि हमारी कॉस्ट बच जाती है, हमारी सर्विस अच्छी हो जाती है, क्योंकि आज मैं अपने नाम से धंधा कर रहा हूँ। आप सोचिए ना, एक तो मैं मैगी बेच रहा हूँ, तो मुझे क्या लेना देना है यार, कि मैगी जो मैं मैगी का प्रोडक्ट ग्राहक को दे रहा हूँ वो सही है गलत है, क्योंकि इज्जत मैगी की खराब होनी है। लेकिन अगर मैं खुद का प्रोडक्ट दे रहा हूँ, मैं अपनी सर्विस अच्छी कर दूंगा, मैं इफेक्टिव तरीके से काम करूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का माल लेकर आऊंगा, अच्छे से अच्छा अपना नेटवर्क बनाऊंगा, अच्छे से अच्छे सप्लायर बनाऊंगा, जगह जगह पर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर खोल दूंगा, वेयर हाउस खोल, मैं पूरी एक चेन बना दूंगा, जिससे स्टार्टिंग से जहां से प्रोडक्ट का बनाना मैं शुरू कर रहा हूं और जब तक ये प्रोडक्ट बिक रहा है, वो जो चेन है उसके अंदर जो प्रोडक्ट बिके एकदम सही बिके। मुझे बताएं क्या ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट समझ में आया? ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्योंकि आज तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है इससे रिलेटेड, बट बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इससे आप खुद भी लिख सकते हैं इसके बारे में। तो जल्दी से मुझे एक बार चैट पर बता देंगे आप लोग कि यहां तक का आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं। ठीक है, आगे देखें। नेक्स्ट बात आ जाती है कि सर ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव वही है कि आपकी फैसिलिटीज जो है वो ज्यादा सही हो जाएंगी, कस्टमर की रिक्वायरमेंट आप पूरा कर दोगे, पूरा जो टोटल सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा, कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा बचेगी, कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा बचेगी। अब देखें, ये क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, मैं दिखा देता हूं। ये देखिए, दिसंबर 2018 में 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर आप इसको देखें। देखिए इसको यहां पर हम लोगों ने इस तरीके से भी बनाया हुआ है, और आप ऐसे भी देख सकते हैं इसको। सबसे पहले बंदा क्या करेगा, प्लानिंग करेगा कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, फिर सोर्सेस देखेगा कि मैं माल लेकर कहां से आऊं, फिर वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेगा, फिर वो उसको आगे डिलीवर करेगा, और उसके बाद में कुछ माल उसके पास वापस भी आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुने। 2015 की बात है, मेरा एक स्टूडेंट था राहुल नाम का लड़का, वो ना बड़ा मस्त मौला टाइप आदमी था, इतना ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान अच्छा था पढ़ाई में, बट वो मस्त रहता था। मैंने उससे बोला, मैंने कहा तू
पढ़ के करेगा कंपनी में काम, लगता तो नहीं है तू कंपनी में बैठ के काम करने वाला आदमी है, तेरा दिमाग कहीं और ही चलता है मैंने देखा है। बोला सर मैं सर अपना काम खोल रहा हूँ खुद का, मैं अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे ये जो आप प्रोडक्ट्स खरीदते हो ना वो मैं बेचूंगा सर, वो आज का बड़ा स्कोप है इसमें। मैंने कहा अच्छा क्या बेचेगा तू? बोला सर मैं अच्छी क्वालिटी के वो बेचूंगा, हेलमेट बेचूंगा सर, जो स्पोर्ट्स बाइक चलाते हैं ना लड़के उनके लिए मैं हेलमेट बेचूंगा अच्छी वाली क्वालिटी। मैंने कहा क्या प्रोसेस क्या है, कुछ समझा दे यार मेरे को। बोला सर मैंने प्लानिंग कर ली है सबसे पहले कि मैं हेलमेट बेचूंगा, मैंने बहुत अपना देख ली, मुझे इसकी नॉलेज है, मैं सब जानता हूँ, मेरी प्लानिंग हो चुकी है सर। मैंने कहा अच्छा। फिर बोला सर अब मैंने दिल्ली से जाकर मैंने बात कर ली है, वहां से मैंने अपने सोर्स ढूंढ लिए हैं, रॉ मटेरियल लेकर आ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। फिर सर मैं उस पे अपना स्टिकर लगा के और वो मेरा मैन्युफैक्चर हो जाएगा सर। फिर सर मैं उसको डिलीवर कर दूंगा, फिर मैं उसको डिलीवर कर दूंगा। फिर बोला सर कुछ चीजें रिटर्न भी आ जाती हैं सर, कभी कभी फ्लिपकार्ट अमेजन पे कुछ चीजें वापस आ जाती हैं, तो उसको थोड़ा बहुत ठीक करके फिर दोबारा निकाल देंगे, क्योंकि इसकी भी प्लानिंग करी जाती है वरना हमारा खर्चा ज्यादा हो जाएगा। तो ये 5 कॉम्पोनेंट्स हैं सप्लाई चेन। पर इसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आया, तो अभी तक हमने पढ़ा सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक तरह की चेन होती है जिसके अंदर कोई भी बंदा जब नया प्रोडक्ट बना रहा होता है तो वो क्या चीज करता है, वो ये चीज देखता है कि प्लानिंग करता है उसे क्या प्रोडक्ट बनाना है, सोर्सेज देखता है, बनाने लग जाता है, उसके बाद में उसे डिलीवर करता है, रिटर्न वापस आ जाता है, तो फिर उसका भी कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट किया जाता है जिससे उसका लॉस जो है वो उतना ज्यादा ना हो जाए। नेक्स्ट, यहाँ तक का हम ये भी सेम बात है, डेवलपमेंट ऑफ सप्लाई चेन का मतलब है कोई नया प्रोडक्ट अगर आप लेकर आ रहे हो तो पहले डिजाइन बनाओ कि कैसा डिजाइन होगा, देन उसके बाद में मटेरियल, और देन सब कुछ रिपीटेड है इसके अंदर। क्वेश्चन ये आता है कि सर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में आपने अभी तक इतना समझाया, आपने हर बार इसके एडवांटेजेस फायदों की बात करी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का फायदा होता है, क्या सर सप्लाई चेन मैनेजमेंट का नुकसान नहीं होता क्या? होता है यार, बहुत बार होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट डिमांड में आ गया तो भाई साहब उसकी सप्लाई मैच नहीं कर पाओगे, और जब एक बार आप उसकी सप्लाई मैच नहीं कर पाओगे तो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी और घटेगी, बढ़ेगी और घटेगी, फ्लक्चुएट होगी। ये बिजनेस के लिए सबसे खतरनाक सीन होता है जहां पर प्रोडक्ट की प्राइस गिर रही है और बढ़ रही है, ये एक डर लगा रहता है। डर ये भी लगा रहता है कि आपके पास में इन्वेंट्री है कि नहीं है, स्टॉक है कि नहीं है। पता चला आपके पास में स्टॉक नहीं है तो मार्केट में आपकी गुडविल खराब होती है। आप देखिए, आप खुद देखिएगा, आपका जो घर है उसके पास में अगर कोई शॉप है, मेरे पास मेरे साथ में ऐसा होता था, मैं जब रहता था तो मेरे पास में एक शॉप थी, वो ना डेयरी थी, सरस डेयरी थी। मैं उसके पास में गया एक दिन, मैंने बोला भैया दूध दे दो, छाछ दे दो, नहीं थी। 2 दिन बाद गया, नहीं थी। 3 दिन बाद गया, नहीं थी। आज तक का दिन है मैंने जाना ही छोड़ दिया उसके ऊपर। मेरे मन में ये जम गया कि यार इसके पास में तो कभी इन्वेंटरी स्टॉक रहती नहीं है, मार्केट गिरने लग गया उसका, ज्यादातर ऐसा हो रहा है। फोरकास्टिंग हम बहुत बार करते हैं, हम ये सोचकर चलते हैं कि एक काम करता हूँ अभी इस महीने कम प्रोडक्ट बनाता हूँ, उस वाले महीने में डिमांड ज्यादा आती है फिर बना दूंगा, या फिर हम ये बनाकर रख लेते हैं कि अभी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाकर रख लो, फ्यूचर में जब ज्यादा डिमांड आएगी तो एक बार में हम सप्लाई कर पाएंगे। भाई साहब कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, आपने ज्यादा बना के रख लिया, डिमांड आई नहीं, उसको खराब हो जाएगा वो, है ना। तो डिमांड जो है वो देखा जाए तो एक तरीके से पक्की नहीं है, तो ये कुछ चीजें जो है वो प्रॉब्लम भी होती है। रीसेंट ट्रेंड है, कुछ भी नया आ जाता है। आज आज सोचिए, पहले जब मोबाइल आए थे तब कीपैड वाले मोबाइल आए थे, लोगों ने यूज किए, क्या किसी को ये पता था कि कीपैड वाला मोबाइल एक वक्त पे खत्म हो जाएगा, सिर्फ टच चलेगा। आज देखिए जो वॉचेस हैं उनका कितना मार्केट डाउन हो गया, बस जो बिजनेसमैन लोग हैं, बड़े लोग हैं, या कुछ जो लोग जिनकी आदत में है, सिर्फ वही लोग वॉचेस को यूज कर रहे हैं। वरना मैं ये बोल सकता हूँ 100 में से कम 60% लोग, बल्कि ज्यादा लोग ऐसे हैं जो वॉचेस यूज नहीं करते, मोबाइल ने उनको। रीसेंट ट्रेंड है, कब क्या चेंज हो जाएगा ये नुकसान भी कर सकता है आपको। तो सप्लाई चेन के सिर्फ फायदे नहीं होते, कुछ नुकसान भी होते। एक बार चैट बॉक्स पर मुझे ये बता दें यहां तक की कहानी आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई, अगर कोई भी डाउट है आप बिंदास पूछ सकते हैं, मैं दोबारा समझ, जल्दी बताएं मुझे। ठीक है, अच्छा मुझे ये बता दें आप कि आप लोगों की क्लास मेरे ख्याल से कुछ टाइम पहले से चल रही होगी शायद,
तो अब क्योंकि मैं इसको स्टडी नोट वन को आज कंप्लीट करवा दूंगा, थोड़े बहुत टॉपिक बचे, 3-4 टॉपिक छोटे छोटे, वो मुझे कंप्लीट करवाने हैं, है ना। तो अगर आप लोगों को ब्रेक चाहिए बीच में तो आप मुझे मैसेज पे बता सकते हैं, मैं 5-10 मिनट का आपको ब्रेक दे दूंगा अगर आपको रिफ्रेश होना हो। ठीक है जी, बता दीजिए, हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से सुने, क्वेश्चन आया हुआ है इससे एग्जाम में। हमारे टॉपिक का नाम है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है उसका मतलब क्या होता है। देखिए, अब देखो एचडीएफसी बैंक का एक एडवर्टाइजमेंट देखो, नाउ योर रिलेशनशिप मैनेजर इज जस्ट अ कॉल अवे 24/7। समझ रहे हो आप तीन चीजें देखो, एचडीएफसी बैंक मतलब कंपनी, वो मैनेजर और एक आप खुद। देखो इस कंपनी ने आपके साथ में रिलेशन बनाने के लिए एक बंदा बीच में अपॉइंट करके लिखा 24/7। मतलब समझ रहे हो इसका मतलब, रात के 2 बजे मुझे पता लगा कि मेरे अकाउंट में 1 रुपया डिडक्ट हो गया। मैं रात को इसको फोन घुमा दूं, ये मेरे से ये नहीं बोलेगा भाई साहब रात के 2 बजे कैसे कॉल कर। अबे तेरी कंपनी ने बोला है वे, जस्ट अ कॉल अवे 24/7 कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। पहले सिर्फ एग्जाम्पल समझते रहे हैं। जेठालाल बागा से बोल रहा है कि बागा बॉय हमें अपने ग्राहक को 15 महीने की आफ्टर सेल सर्विस देनी देनी है, कस्टमर खुश रहना चाहिए, कस्टमर नाराज नहीं हो जाए, 2 महीने की फ्री रिपेयरिंग फैसिलिटीज देंगे हम, कस्टमर हमेशा खुश रहना चाहिए। और अगर देखें तो और देखो, ऐसा यहां पर ज्यादा होता है, ये जो कॉमर्स के जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना उनके अंदर ऐसा ज्यादा देखने को मिलता है। देखिए कोई स्टूडेंट आया, स्टूडेंट बोला मुझे सीए सीएस या सीएमए की कोचिंग लेनी है, ये जो इंस्टीट्यूट वाला होता है फूला नहीं समाता खुशी में, मन में गाना बजता है इसके वारों फूल बरसाओ, है ना। ये स्टूडेंट से बोला आओ हमारे सिर पे बैठो, आज से आप हमारे माई बाप हो, अब हम आपको पूरे साल पढ़ाते रहेंगे, टेस्ट लेंगे आपका, नोट्स देंगे आपको, जब जब चैप्टर चल रहा होगा तब तब हम आपसे बोलेंगे कुछ प्रॉब्लम है डिस्कस कर लो, पूछ लो पूछ लो पूछ लो, लेकिन तब आप सो रहे होंगे, आप 2 महीने बाद में अचानक से होश में आएंगे, तब आप बोलेंगे हाँ जी मुझको आज प्रॉब्लम है, फिर हम आपकी डाउट भी सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लो अपना, एक्स्ट्रा टाइम देंगे आपको। फिर बाई चांस मान के चलो अगर आप फेल हो जाते हो तो दोबारा से आ जाना, फिर दोबारा से पढ़ाएंगे। क्यों कर रहे हो ऐसा? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर खुश रहे, उसको उस तक पहले मार्केटिंग करके बात पहुंचाओ, ये प्रोडक्ट हम लेकर आ गए हैं बेचो उसको, फिर एनालिसिस दो बढ़िया है प्रोडक्ट नहीं है, आफ्टर सेल सर्विस दो उसको, रिलेशनशिप मैनेजमेंट उसको मैनेज कर, फोन करो कि साहब आपने पिछले साल एसी खरीदा था सर्विस करवा दूं क्या उसकी। ये चीज है, जब कोई बंदा खरीदने आ रहा है फाइनेंस की सर्विस बजाज, आप बंदे वो कंपनी वाले बोलते हैं भाई साहब कैश में नहीं लेना चाहते, ईएमआई पे ले लो, बजाज फाइनेंस से हमने कर रखा है। ये सब चीजें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, देखो इसमें लिखी भी हुई है ये बात, हमें जब कंपनीज को अपनी सेल्स बढ़ानी होती है तो कंपनी क्या करती है, कस्टमर सर्विस अच्छी करती है। अगर उसे मार्केट में शेयर बढ़ाना होता है, अगर उसे कस्टमर की लॉयल्टी चाहिए, अगर वो अपनी कॉस्ट कम करना चाहती है, कस्टमर से अपना रिलेशन अच्छा करना चाहती है, तो इसे टेक्निक का यूज लेती है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टेक्निक का। ये एक तरीके की बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है जिसके अंदर हर कंपनी ये कोशिश करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के रिलेशन में रहे, कस्टमर के सामने आती रहे, जिससे उसको ये पता रहे कस्टमर को कि हम आपके लिए हैं, अगर आप हमसे प्रोडक्ट खरीदोगे हम आपको बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे। समझो कस्टमर क्या चाह रहा है, रिटेन करो, नए कस्टमर अट्रैक्ट करो, उनके साथ में अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स करो, अपना भी प्रॉफिट करो, उनका भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट करो, कस्टमर जो है उनको उनकी कॉस्ट ज्यादा मत आने दो। ये सब काम करोगे तो कस्टमर्स का तुम्हारे ऊपर भरोसा बढ़ जाएगा। ये जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है इसको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के नाम से बोला जाता है, इंटीग्रेटेड अप्रोच है ये।
इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है ये, है ना। और इसमें कंपनी बहुत सारे तरीके देखती है। आज के टाइम पे देखो कितने सारे तरीके हैं, कस्टमर सर्विस अलग खोल दो, कॉल सेंटर अलग खोल दो, सोशल मीडिया पर अलग खोल दो, अपनी एक अलग से टीम बना दो, घर पे जाकर फ्रंट वर्कर्स को अपॉइंट कर दो कि तुम घर पे जाके पूछोगे सभी से, बैकएंड वर्कर्स को कर दो, वो लोग मैसेजेस के थ्रू बोलते हैं क्वेरी है तो यहाँ पर पोस्ट कर दो अपनी क्वेरी, किसी ना किसी तरीके से कस्टमर जो है उनको सेटिस्फाई किया जा रहा है। देखो ये सब लिखा हुआ है, मुझे एक बार चैट बॉक्स पर बताएं क्या ये समझ में आया कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है। ये आप ये समझ लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है इस चैप्टर का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 99% चांसेस है। देखें अब आगे, स्टूडेंट मेरे को ये बोलता है कि सर मुझे समझ में आ गया कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, सर समझ आ गया, सर मुझे ये बता दो कि, और बच्चा ये बोलता है सर प्रैक्टिकली देखें तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मतलब तो ये हो गया ना कि कस्टमर को आप खुश कर रहे हो, कस्टमर को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, कस्टमर को आप जाने नहीं दे रहे हो, कस्टमर से धीरे धीरे आप बिजनेस लेकर आ रहे हो, सर ये कैसे होता है, इसके क्या कुछ टाइप्स होते हैं क्या सर? मैंने कहा हाँ, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के टाइप्स होते हैं, आप उनको पार्ट्स भी बोल सकते हैं। सर कितने टाइप होते हैं? तीन टाइप होते हैं सर, तीनों टाइप एक बार समझा दो, समझा देता हूं, एग्जांपल देख लो समझ में आ जाएगा, आराम से देखो। एक एग्जांपल देखो, ये है हमारा सर्किट, ये है हमारे मुन्ना भाई। सर्किट बोला भाई ये कंपनी वाले अपन को बार बार मैसेज करते हैं कि एक पे एक फ्री, एक पे एक फ्री, एक पे एक फ्री, क्यों करते हैं? मुन्ना भाई बोले बोले ये कंपनी के चौंचले होते हैं, ये कंपनीज की स्ट्रेटेजी होती है, अपना धंधा अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ऐसा करती है। सर्किट बोला बोले ठीक है भाई, आपने बोला कि कंपनियां हमको इस तरीके के मैसेज इसलिए करती हैं जिससे हम अट्रैक्ट हो जाएं और हम सोचें एक पे एक फ्री मिल रहा है, चलो खरीद लो, सेल चल रही है। पर भाई एक बात बताओ ना, देखो ये अपनी मोहल्ला है, ये अपना मोहल्ला, और थोड़ी सी पास में ये शानदार सोसाइटी है जहां पर अमीर लोग रहते हैं। यार ये एक पे एक फ्री वाले जो मैसेज है ना, मैंने देखा है मुन्ना भाई ये अपने मोहल्ले के लोगों को आते हैं, यहाँ सोसाइटी वाले लोगों को ये एक पे एक फ्री वाले मैसेज नहीं आते, उनको तो कुछ दूसरे ही मैसेजेस आते हैं, कुछ दूसरे मैसेज आते हैं, ऐसा क्यों? मुन्ना भाई बोल रहे हैं देख ये कंपनी क्या करती है ना, कंपनी आइडेंटिफाई करती है, कंपनी क्या करती है, कंपनी जो उसके कस्टमर है ना उनके कस्टमर के तरीकों को समझती है कि कौन सा कस्टमर किस चीज से टूटता है। बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो एक पे एक फ्री पे टूट जाते हैं, बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो एक पे एक फ्री पे नहीं टूटते, उन्हें सेल नहीं चाहिए, उन्हें क्वालिटी चाहिए, कंपनी उनको क्वालिटी वाले मैसेज करती है। बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि हमको तो उस वाले प्रोडक्ट को खरीदने में मजा आता है जिसमें लिखा आ जाता है ना कि अब 20% एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, सेम प्रोडक्ट में 20% और दे दिया जा रहा है उसी, बहुत सारे कस्टमर ऐसे। ये कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियां आइडेंटिफाई करती हैं कस्टमर के पुराना जो उसका डेटा है ना उसके बेसिस पर, उसने किस तरीके की परचेजिंग करी है, किस तरीके की थिंकिंग है, किस तरीके का आदमी है, किस तरीके के प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, इन सब की जब ये कंपनीज वाले इंक्वायरी कर लेते हैं उसके बाद में फिर ये इसको पटाते हैं। इसको हम बोलते हैं एनालिटिकल सीआरएम। ये पर्पस जो होता है एनालिटिकल सीआरएम का, वो कस्टमर डेटा को एनालाइज करना होता है, देखना होता है कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, कस्टमर जो है वो किस तरीके से किस तरीके के गुड्स और सर्विस खरीदना चाहता है, उसका पैटर्न क्या है, वो किस तरीके की चीजों को उसको हम किस तरीके की मार्केटिंग करें कि वो खरीद लेगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको आप ये मार्केटिंग करके दे दो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूं आपको, देखो ऐसा बहुत बार होता है जैसे हमारी मॉम या डैड है, उनकी अब एज काफी हो गई है ना, तो पैरों में हाथ में दर्द होता है, तो टीवी पे हम एड देखते हैं जिसमें आता है कि ये फलाने कंपनी ने इसको ऑथराइज किया, गवर्नमेंट ने इसको ऑथराइज किया ये पैरों के दर्द के लिए, तो आदमी क्या सोचता है, अरे यार मम्मी के लिए ले लेता हूं, फंस गया वो आदमी यहाँ पे। वो जो कंपनी है ना उसे पता है कि कुछ ऐसे कस्टमर है जो इन चीजों में फंसेंगे, कुछ ऐसे फंस जाते हैं
कि फ्लिपकार्ट जो है उस पे फलाना सेल चल रही है, दिवाली की चल रही है, होली की चल रही है, इसमें फंस जाते हैं। ये एनालिटिकल सीआरएम है, कंपनी जो है ना वो कस्टमर का डेटा निकालकर इस तरीके की चेकिंग करती है। सर्किट बोला मुन्ना भाई यहां तक की बात आपको मुझे समझ में आ गई, लेकिन अभी मेरे सवाल खत्म नहीं हुए। बोला बता। बोला मैंने सुना ये अलग अलग तरीके होते हैं। आपने बोला एनालिटिकल सीआरएम के अंदर कस्टमर का डेटा निकाल के उसका मेथड समझती है, पैटर्न समझती है। मुझे ये बात समझ में आ गई एनालिटिकल सीआरएम क्या होता है, पर इसमें भी अलग अलग स्टेप्स अलग अलग तरीके होते हैं ना। बोला हाँ होते हैं, जैसे अपसेलिंग प्रोसेस होता है, जैसे क्रॉस सेलिंग प्रोसेस होता है। बोला ये इंपॉर्टेंट लग रहा है अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग, ये क्या होता है एक बार ये समझाओ। बोला मैं समझा देता हूँ, पहले क्रॉस सेलिंग समझो क्या होता है। क्रॉस सेलिंग क्या होता है, ये एनालिटिकल सीआरएम का ही टेक्निक है। ये होता क्या है ध्यान से देखो, एक बियर बार है, बियर ये इससे बोल रहा है। बोला सर्किट तेरे को पता है हम बियर पीने जाते थे, हम कौन से वाले बार में जाते थे। बोला इस बाज बियर बार में जाते। बोला कई को जाते थे इसमें और किसी में क्यों नहीं जाते थे। बोला क्योंकि ये बार वाला ना जब बियर देता था साथ में ना पापड़ चटनी पीनट्स ये सब फ्री में देता था। हाँ एक पे एक फ्री, शैम्पू खरीदो कंडीशनर फ्री, क्रॉस सेलिंग, एक पे एक फ्री क्रॉस सेलिंग। बंदा फंसता है यहाँ पे, बोला चलो बियर पियेंगे फलाना मिल जाएगा साथ में, क्रॉस सेलिंग। सर्किट बोला भाई ये समझ में आ गया क्रॉस सेलिंग का मतलब है एक पे एक फ्री। आपने बोला अपसेलिंग नाम की भी चीज होती है, ये क्या होता है। बोले समझ तूने जियो या वोडाफोन या एयरटेल इनसे कुछ रिचार्ज करवाया, रिचार्ज 28 दिन का है, लेकिन ये तेरे को खुश करने के लिए क्या बोल देते हैं। बोला 28 दिन का रिचार्ज हमने एक्सटेंड कर दिया, हम तुमको इतना एक्स्ट्रा देने। वो आता है ना मैगी का पैकेट जो है वो पहले इतना था लेकिन अब इसी में हमने 20% अपसेलिंग। अब इसको सर्किट को सब बातें समझ में आ गई है। एनालिटिकल सीआरएम का मतलब है कस्टमर जो है उसका डेटा निकालो, चेक करो वो किस तरीके का बिहेवियर है, कैसा सामान खरीदना चाहता है, और उसको क्रॉस सेलिंग या अपसेलिंग में फंसा ले। तो मुझे बताएं ये जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है इसके जो टाइप्स हैं उसका मैंने पहला टाइप आपको बताया, क्या ये समझ में आया एनालिटिकल सीआरएम। नहीं आया, आया चैट पर बताएं, अगर डाउट है बिंदास पूछे। मैसेज आ रहा है मेरे पास में कि सर समझ में आ गया, वेरी गुड, ठीक आगे चलते। नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेटिव सीआरएम, नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेटिव सीआरएम। ये ऑपरेटिव सीआरएम क्या होता है, अरे ये तो सबसे ही बढ़िया होता है, ये तो सबसे बढ़िया होता है। कंपनी जो है ना, कंपनी वो अपने बंदे को बोलती है कि पर्सनली फीडबैक लेकर आओ जाओ। कस्टमर इससे बड़ा खुश होता है। देखो ये लाया लड़का मैडम के पास, मैडम आपने हमारी कंपनी से फलाना प्रोडक्ट खरीदा था, आपको कैसा लगा, कोई प्रॉब्लम सर्विस करवा दूं, मैडम प्लीज अपना फीडबैक दे दो, हमारे रजिस्टर में एंट्री कर दो। ऑपरेटिव सीआरएम, एक्चुअल कॉन्टेक्ट, एक्चुअल कॉन्टेक्ट। तो दो टाइप समझ लिए, पहला टाइप हमने क्या समझा, पहला टाइप जो है वो हमने समझा एनालिटिकल सीआरएम। और एक और चीज स्टूडेंट मैं आपको ये भी बता दूं, आप सोचो कि सर इसके अंदर इतना सारा कुछ है, जो मैंने बोला है ना वही कुछ है, मैंने ही लिखा है इसके अंदर, जो है जो मैं बोल रहा हूं ना वही इसके अंदर लिखा हुआ है। अगर आपको अभी क्लास में ये सब बातें समझ में आ रही है तो अंदर का लिखा आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डाउट्स पूछ सकते हैं आप। ये हो गया ऑपरेटिव सीआरएम। मुझे बताएं क्या ये समझ में आया यहां तक। हमने दो टाइप पढ़ लिए और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। लगातार क्वेश्चन आए हैं इस वाले टॉपिक से, लगातार क्वेश्चन आए हैं, अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कोलैबोरेटिव सीआरएम। बोला साहब कोलैबोरेटिव सीआरएम क्या होता है। बोला कोलैबोरेटिव सीआरएम तो बहुत ही ज्यादा इजी होता है। बोला कैसे। बोला देखो एग्जांपल के तौर पे ना आप एक चीज समझने की कोशिश करो, आज एक कोई प्रोडक्ट बिका, अब देखो उस प्रोडक्ट के अंदर कमियां अलग अलग हो सकती हैं। सोचो 30 कस्टमर ने वो प्रोडक्ट खरीदा। आप ना कभी उस पे जाइएगा अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जाइएगा, पर आपको कोई सामान, मेरे को ना एक बार हेडफोन्स खरीदने थे अच्छे वाले, तो मैंने कुछ मेरे जानकार थे उन्होंने मेरे को बताया कि यार ये वाला हेडफोन अच्छा है, ये वाला हेडफोन अच्छा है, तू चेक कर ले। मैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जाके जब उसको चेक करने लगा तो मैं रिव्यूज में चला गया।
वहां पे पता है एक बंदा बोल रहा है कि वॉइस सही है, फलाना सही है, लेकिन बैटरी खराब है। एक प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम, बोला प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, पैकिंग अच्छी नहीं थी, पैकिंग डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम निकाल दी। तीसरा बोला सब बढ़िया है, लेकिन जो डिलीवरी वाला आया था ना वो बढ़िया लड़का नहीं था। तीसरी प्रॉब्लम, पता है अलग अलग डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम निकल रही है। अब यार आप इस वाली पता चला आप कस्टमर से बस इसी प्रॉब्लम के ऊपर अड़ रहे हो। कस्टमर बोल रहा है ये तो मुझे है नहीं ना, या ये थी तुमने सॉल्व कर दी, बाकी की भी तो प्रॉब्लम है, तो क्या करें? तो एक काम करो यार, एक कस्टमर का ये जो डेटा है ना, कस्टमर के डेटा को अपनी कंपनी के सभी डिपार्टमेंट्स में फैला दो, जिससे सभी डिपार्टमेंट वाले बता देंगे कि इस कस्टमर की कहां पर कोई समस्या है, फिर उसको पूरी तरीके से सॉल्व करो। कोलेबरेटिव कोलेबरेशन कर दो ना यार भाई, कोलेबरेशन कर दो यार, कंपनी के जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबको मिलकर कर। सर क्या ये इजी होता है? हाँ होता है, इजी होता है, अच्छा होता है, फायदेमंद होता है। सर क्या ये हमेशा सक्सेसफुल होता है? नहीं यार, कभी कभी सक्सेसफुल नहीं भी हो पाता। सर क्यों नहीं हो पाता? अरे कंपनी के डिपार्टमेंट वाले जो होते हैं ना, वो एक दूसरे से चिढ़ते हैं, इसलिए इंफॉर्मेशन देते ही नहीं है। गधे हैं वो, चिढ़ते हैं एक दूसरे से, इंफॉर्मेशन नहीं देते, इस वजह से नहीं हो पाता। अदरवाइज तो बहुत अच्छा है। सर एक बात और बताओ सर, अगर सर कोई छोटी कंपनी है, सर अगर कोई छोटी कंपनी है, वो तो सर उसमें तो कस्टमर ज्यादा नहीं है, तो वो तो बड़ी जल्दी से फ्रंट वर्कर्स के थ्रू, अपने डिपार्टमेंट्स के थ्रू जल्दी से पता लगा लेगी किसको क्या प्रॉब्लम है। सर अगर कोई बड़ी कंपनी है सर, तो सर वो कैसे? फिर टेक्नोलॉजी भी तो आ गई है ना यार आज के टाइम पे, टेक्नोलॉजीज की भी तो हेल्प लो ना भाई। बड़ी कंपनियों के लिए तो बड़ी कंपनियों के लिए आप टेक, स्मॉल कंपनी जो है वो फ्रंट वर्कर्स के थ्रू कर लेंगी, बड़ी कंपनियों के लिए टेक्नोलॉजी यूज कर लो। सर मुझे अब समझ में आ गया कि तीन टाइप के कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बता दिए आपने, एक एनालिटिकल जिसके अंदर अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग भी समझा दिया, एक ऑपरेटिव और एक कोलेबरेटिव। एक बार सभी बच्चे मुझे चैट पर ये बता दें यहां तक की कहानी आपको समझ में आई कि नहीं आई, अगर प्रॉब्लम है बिंदास पूछ। ऐसा तो नहीं है अभी तक बोर हो गए हो? ऐसा तो नहीं है ना भैया बोर हो गए हो? समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर ब्रेक चाहिए हो आप लोग, मुझे नहीं पता आपकी कब से क्लासेस चल रही होगी, ब्रेक चाहिए तो बोल दीजिएगा, 5-10 मिनट का ब्रेक दे दूंगा। बीच में क्वेश्चन आता है सर ये क्यों कर रहे हो सर, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्यों कर रहे हो? अरे यार सब तो पता है, देखो कस्टमर को सपोर्ट कर रहे हो, इफेक्टिविटी बढ़ रही है, बिजनेस एक्टिविटीज का सपोर्ट मिल रहा है, कंज्यूमर एक्टिविटीज को सपोर्ट मिल रहा है, कॉल सेंटर ओपन, ये ऑब्जेक्टिव है ना, ये सब काम कर लो कंपनी का फायदा होने लग जाएगा। फुली ऑटोमेटेड बना दो आज के टाइम पे, ये सब चीजें कर लो, कॉल सेंटर बना लो, ये सब चीजें आपके लिए फायदेमंद वाली बात है। सर इसके एडवांटेजेस, एडवांटेज ही एडवांटेज है, जो इतना दिखा जा रहा है वो सब एडवांटेज है। देखो कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है, देखो प्रोडक्ट अच्छे से डेवलप हो रहा है, देखो क्वालिटी भी बढ़ रही है, देखो ज्यादा प्रोडक्ट बेच पा रहे हो, देखो कम्युनिकेशन कितना अच्छा हो पा रहा है आपका, मार्केटिंग कितनी बढ़ रही है, बिजनेस कितना ट्रबल फ्री, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, स्मूथली रन कर रहा है ना, कस्टमर को ज्यादा टाइम मिल रहा है, आप जो है वो कॉम्पिटिशन के अंदर, आप कॉम्पिटिशन के अंदर अलग ही नजर आ रहे हो, आपको जो है कोर कॉम्पिटेंसी मिल रही है, स्टाफ आपका मोटिवेट होता चला जा रहा है, आप क्या नाम है आगे के ये अच्छी प्रेडिक्शंस लगा सकते हो कि अब तो हमारा धंधा बढ़ रहा है धीरे धीरे, क्यों ना हम इसको और ग्रो करवाएं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से बड़ा फायदा होता है, ये एडवांटेजेस हैं इसकी। यहां तक एक बार सभी बच्चे मुझको बताएंगे यहां तक की बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो एक बार मैं आप लोगों को इसके ना वो समझा देता हूं, क्वेश्चन जो आए हुए हैं एक बार क्वेश्चन देखो। अभी टॉपिक बचा है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, टॉपिक अभी बचा है, मैं दोबारा अभी और करवाऊंगा जितना बचा है, बट अभी तक जितना पढ़ा उसके देखो। देखो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आपसे बोल रहा है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में आया हुआ है। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि एडवांटेजेस और बेनिफिट्स बता दो, अभी अभी तो बताए इतने सारे, ये भी दिसंबर 2019 में आया। अब दिसंबर 2018 में आया हुआ है ऑपरेटिव कोलैबोरेटिव को बता दो, 3 नंबर का। नेक्स्ट आया हुआ है ऑपरेटिव कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, जून 2018, देखो लगातार आते जा रहे हैं, 3 नंबर। नेक्स्ट देखो कि
ये वाला मैं अभी समझाऊंगा, ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी करवाया नहीं है, ये अभी मैं टॉपिक करवाऊंगा, रिस्क से रिलेटेड है वो समझाऊंगा। फिर देखो ये आया हुआ है जून 2017 में, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, 4 नंबर, इसके एडवांटेजेस बताओ 6 नंबर, टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन। तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आए हैं, और अगर अब क्वेश्चन आएगा तो मेरे ख्याल से आप अटेम्प्ट कर पाओगे शायद। अब देखें अब बात आती है कि सर आपने बोला कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के एडवांटेजेस होते हैं, सर हमें समझ में आ गए ये क्या होता है, समझ में आ गया, 3 टाइप भी समझ में आ गए, सर हमें ये बता दो कि क्या इससे रिस्क, इसको रिस्क को सर हम दूसरी भाषा में लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस बोल दें, क्या इसके ये भी होते हैं, क्या होते हैं, होते हैं सर, कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं भाई, समझो आप कि किसी कंपनी ने बोला अपने कस्टमर से कि आपको जो प्रॉब्लम है वो इस वेबसाइट में पोस्ट कर दो, और कंपनी जो भी वेबसाइट, लोग जो वेबसाइट पे पोस्ट कर रहे हैं, पता चल रहा है उसको कोई चेक ही नहीं कर रहा है, पता चल रहा है वेबसाइट ही एक्सपायर हो चुकी है, पता चल रहा है आपकी टेक्नोलॉजी सही नहीं है, पता लगा कि कंपनी ने ये जो लिखा हुआ है, देखो कंपनी ने ये जो लिखा हुआ है कि 24x7 24 घंटे 7 दिन कॉल करो, मैंने कॉल किया वो मेरे पे नाराज हो गया, बोला भैया रात को पार्टी में आया हूँ तो यार 1 रुपया पूछ रहा है तेरा अकाउंट से कैसे कटी है, मैंने कहा साहब कंपनी ने बोला है 24 घंटे 7 दिन। ये होता है कभी कभी, जो रिलेशनशिप मैनेजर है वो आपसे ढंग से बात नहीं कर रहा है, उसकी पर्सनल लाइफ है, वो उसमें लड़ने लग गया, हम तो उस बात को गलत लेकर चले जाएंगे ना। तो रिस्क भी है, रिस्क बहुत भी बहुत ज्यादा होती है कि पोटेंशियल डिसरप्शन हो जाता है, एक बार में बहुत सारे कस्टमर्स आ गए। अच्छा इसमें यह भी होता है क्योंकि आप कस्टमर के बिहेवियर को देख रहे हो, तो कस्टमर की प्राइवेसी भी, आजकल कोई बंदा ऐसी चीज खरीद रहा है जो बताना नहीं चाहता दूसरे को, प्राइवेसी में घुस गए आप कि वो क्या क्या प्रोडक्ट खरीद रहा है, ये उसको पसंद नहीं है। उसके अलावा आप देखो कभी कभी प्रोसेस इनएफिशियंट हो जाता है, कभी कभी हमारा कंट्रोल नहीं रह पाता, कस्टमर सर्विस हमारी इतनी अच्छी नहीं रह पाती है, हमारे जो टारगेटेड सेल्स हैं हम उतने तक अचीव नहीं करते हैं, कंपनी बरस पड़ती है, पैसा काट लेती है हमारा, है ना, सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है। हमने कंपनी जो है, आपने देखा होगा अभी कुछ टाइम पहले आया था कि अनअकैडमी इतना बड़ा जो प्लेटफॉर्म है उसका जो डेटा है वो डेटा जो है वो हैक हो गया, और ये भी आया था कि वो डेटा जो है वो बेचता है, राजस्थान गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वो डेटा बेचती है, तो डेटा गलत हाथों में जा रहा है, ये सब चीजें जो हैं ये सब लिमिटेशन भी। एक बार चैट पर मुझको बताएं बच्चे क्या आप लोगों को ये समझ में आया, रिस्क से रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में आपके, एक बार बता दो मुझको। और मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अगर नहीं आई समझ में या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो आप बिंदास मेरे से बोल सकते हो, 10 बार मेरे से पूछ सकते हो, मैं दोबारा भी समझा सकता हूँ आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अलग अलग एग्जाम्पल देके समझा सकता हूँ। इसी बात को देखो सीआरएम को मैं दोबारा से भी बोल देता हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी कभी कस्टमर डिससैटिस्फाई हो जाता है, जैसे ना बहुत बार ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं ये, जैसे कभी इंस्टीट्यूट में शिवम जी हो गए, अक्षय जी हो गए, वो मेरे से ऐसे बोलते हैं, बोला सर हम क्या करेंगे कि हम जो है ना वो बच्चों को पहले क्लास में पढ़ाएंगे। मैंने कहा अच्छा, बोला सर फिर क्लास में पढ़ाने के बाद में फिर उनका रिविजन भी करवाएंगे। मैंने कहा अच्छा, सर कोई बच्चा एब्सेंट हो गया ना उसको हम रिकॉर्डिंग भी देंगे। मैंने कहा अच्छा, बोला सर जब रिवीजन हो जाएगा ना उनके बाद में उनके टेस्ट लेंगे। अच्छा, फिर सर उनके बाद में उसके डाउट भी सॉल्व करेंगे। मैंने कहा सर मैं नहीं करूंगा, मेरे बस की नहीं है, मैं क्या करूंगा मैं बता देता हूँ, मैं क्लास लूंगा सर, क्लास लेते वक्त मैं सभी डाउट्स क्लियर करूंगा, मैं क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करवा दूंगा, मैं हर चैप्टर का टेस्ट ले लूंगा, लेकिन सर मैं इनको जिमाऊंगा नहीं, ये कोई दामाद नहीं है जो एक बार मैंने ये एडमिशन ले लिया उसके बाद में फिर इनको पढ़ाओ रिवीजन करवाओ, ये खुद कर लेंगे, करना होगा फाइनल में आगे, मेरे पास की नहीं है इतना। बोले सर इससे क्या है सर, ये कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। मैंने बोला, मैंने कहा सर अगर कस्टमर सेटिस्फाई होना होगा ना एक बार में हो जाएगा, अगर मैं बढ़िया पढ़ा लेता हूँ वो एक ही बार में सेटिस्फाई हो लेगा, अगर मैं नहीं पढ़ाता हूँ उसको 25 बार पढ़ा दूं वो तब भी सेटिस्फाई नहीं होना है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा है, कुछ ही कर लो उसको,
बहुत बार ऐसा होता है डेटा आपका सिक्योरिटी जो है वो ब्रीच हो गई, बहुत बार ऐसा होता है आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाए, कंपनी आपसे चिल्ला रही है ना, वही सेम पॉइंट है, बस उसको मैंने और अच्छे से यहाँ पे लिख दिया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कमर्शियल रिस्क आ जाती है, कंपनी जो है उसके पास में पैसा नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक जानकार है हर्षित नाम है उसका, वो IAS की कोचिंग देता है ऑनलाइन, और इतना शानदार पढ़ाता है ना वो, मतलब बहुत ही बेस्ट, मेरे को वो बहुत पसंद है, बहुत बढ़िया लगता है वो मुझे, इतना अच्छा पढ़ाता है वो, यूट्यूब पर पढ़ाता है वो, और उसने अपनी एक वेबसाइट भी बनाई। पता है उसकी वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक नहीं आया, ट्रैफिक का मतलब ज्यादा लोग नहीं आए, लोग, अब वेबसाइट चलाने का खर्चा बहुत होता है, हर साल का खर्चा होता है, लोगों को अपॉइंट करके रखना पड़ता है, डेली के करंट अफेयर्स डालने पड़ते हैं, खर्चा हो रहा है, ट्रैफिक नहीं आया। लास्ट में उसको क्या कर रहा है, लास्ट में ना उसने बंद कर दिया, बोला यार मोहित मैं बंद कर रहा हूँ यार इसको, ये यूट्यूब पे वो सब तो चलता रहेगा मेरा जो चल रहा है, वेबसाइट पर कमर्शियल रिस्क हो जाता है, पैसा वैसा नहीं है आदमी, बंद करना पड़ सकता है, वो यही सब चीजें हैं, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ये सब। एक बार मुझे आप सब ये बता दें, यहां तक का अगर कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं, अभी तक हमने जो पढ़ा है अगर उसमें किसी भी प्रकार का आप लोगों को डाउट है आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे कंटिन्यू करूं मैं, लास्ट टॉपिक है ये, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और ज्यादा से ज्यादा मुझे 5 मिनट लगेंगे इसको समझाने में, चैप्टर खत्म। लेकिन मैं एक बात आपको दोबारा से बोल देता हूं, आप लोग आज ही, अभी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैं नोट्स आपको भेज चुका हूं, आप लोग घर पे जाके इसको रिवाइज कीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं वो सभी क्वेश्चन, क्योंकि आपको 2017 तक के क्वेश्चंस करने हैं, जून 2017 तक के क्वेश्चन करने हैं, उससे पहले के नहीं करने आपको, क्लियर है ना ये बात, जून 2017 तक जो क्वेश्चंस आए हैं वो सब यहां पर मैं इस चैप्टर के आपको दिखा चुका हूं। इस चैप्टर का अगर आप मेरे से वेटेज पूछो तो नॉर्मली इस चैप्टर का वेटेज 10 से 12 नंबर का रहता है। ऑब्जेक्टिव में कम से कम एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, अगर एक नंबर का क्वेश्चन आप यह मान लेते हो, और अगर 10 नंबर का भी आ चुका है, 3 नंबर का भी आ चुका है, ओवरऑल आप 11 नंबर ले सकते हो, 11 से अंदर अंदर इस चैप्टर से आता है। लास्ट टॉपिक है, बकवास टॉपिक है, इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। देख, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, कस्टमर की प्रॉफिट ये देखना होता है। अच्छा एक चीज और बताएं, आप एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, बहुत आसान क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। जैसे मेरा एक खुद का इंस्टीट्यूट है मोहित वंसल क्लासेस, मुझे ये बताइए, एक तो मैं सिर्फ अपना प्रॉफिट देखूं और एक मैं अपने कस्टमर्स का भी प्रॉफिट देखूं, मुझे बताइए, अगर ये सिचुएशन वन है, ये सिचुएशन टू है, कौन से वाले केस में मेरा बिजनेस ज्यादा लंबा चलेगा और ज्यादा अच्छा चलेगा, जहां मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा, दूसरे वाले? कस्टमर का प्रॉफिट देखना पड़ेगा, आप सिर्फ अपने प्रॉफिट पे नहीं रह सकते, है ना। आपने सुना भी होगा, आपके घर में अगर खुद कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो आपके घर वाले भी बोलते होंगे, या आप कोई खरीद के लाते हो ना सामान, आप खरीद के लाए 500 रुपए का सामान, छोटा सा सामान, आप क्या बोलते हो, अबे यार पैकिंग तो कम से कम बढ़िया दे देते यार, 500 रुपए दिए कम से कम पैकिंग, कस्टमर चाहता है कुछ चीजें, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं क्या उससे कस्टमर को फायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। आज अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो बच्चे को उसका फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर मेरे पढ़ाने से बच्चे को फायदा नहीं हो रहा है, वो नहीं पढ़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो आप, अगर उसका फायदा है तो वो पढ़ेगा। आपको कस्टमर फोकस पढ़ाना पड़ेगा अपना, आपको शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, आपको उन्हें सेटिस्फाई करना पड़ेगा, आपको उनके दिमाग में फिट करना पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्ट जेन्युइन है। आज अगर मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे को बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि मैं खुद पढ़ा लिखा इंसान हूं, आप भरोसा करें, लॉयल रहें, मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड एग्जाम में आता है। कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी जी, कस्टमर का आपको लॉस कम करना पड़ेगा, कस्टमर का प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा आपको, आपको उनके इस पोजीशन में लाना पड़ेगा कि कस्टमर हमेशा विन विन पोजीशन में रहे, उसे कॉस्ट कम करो प्रॉफिट बढ़ाओ, ये सब चीजें ध्यान रखना पड़ेगा, कस्टमर का भी प्रॉफिट का एनालिसिस करना है। क्या ये समझ में आई बात आपको यहां तक?
सिंपल है, इसके अंदर खुद लिखना है आपको, ऐसा कुछ है नहीं जो इसमें मैं अलग से समझा दूं, बट इतना ध्यान रखना ये टॉपिक सिंपल सी बात बोलता है, कस्टमर के प्रॉफिट का ध्यान रखो, कंपनी सिर्फ अपना ध्यान रखेगी तो बर्बाद हो लेगी ज्यादा टाइम भी। यहां पर आपका ये जो स्टडी नोट वन है ये खत्म होता है। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, एक बार और ध्यान से सुन लें आप सभी बच्चे, एक बार सुन लें, यहां पर ये स्टडी नोट आपका वन खत्म होता है। कल की क्लास जो होगी आपकी, उसमें मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगा। एक चीज मैं बता दूं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं बता चुका हूं, मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, बचे हुए क्वेश्चन भी हम लोग कल सॉल्व कर लेंगे इसके। तो कल इस चैप्टर का मैं एक तरीके से रिविजन करवाऊंगा, क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, पहली बात। दूसरी बात, मेरे पास में अभी भी सुबह भी एक बच्ची का कॉल आया था कि सर मुझे वीडियो चाहिए होगी। मैं आपको बता दूं, मेरा एक चैनल है, उसका नाम यूट्यूब पर है, वो मोहित बंसल क्लासेस करके उसका नाम है। उस पर एक दो दिन में, शायद रात तक या कल सुबह तक, इस स्टडी नोट वन की पूरा ये चैप्टर जो है वो अपलोड हो जाएगा। तो किसी को वीडियो चाहिए वो लिंक के थ्रू आज ले ले, बाकी कल यूट्यूब चैनल पे ये अपलोड हो जाएगा। नोट्स मैं भेज चुका हूँ, बाकी का हम कल देखेंगे। प्रॉब्लम्स है आप बिंदास 10 बार पूछिएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।